कंसिस्टेंसी मेंटेन करके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को 4 मंथ में डेडिकेटली अगर प्रैक्टिस करते हो, 100% आप सक्सेस पाते हो। बट इस सक्सेस का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क है कि 80% से ज्यादा जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करोगे तब तक इस सक्सेस का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, इवन बोल सकते हैं कि सक्सेस भी नहीं मिल पाएगा। तो बेसिकली होता है क्या गाइस कि जैसे स्टार्टिंग में कोई क्या बोलते हैं इंडस्ट्री में हमको कैरियर बनाना है, सपोज आप ही कई लोग साइट इंजीनियर होंगे, कई लोग क्वालिटी में होंगे, तो आपको पूरा एक डोमेन सेट करना है। डोमेन सेट करने के लिए देखो मेहनत तो करना पड़ता है। मैं उनको मैं बता दूं गाइस, मेरा नाम है आकाश पांडे और मैं लास्ट 10 ईयर से आपकी इंडस्ट्री यानी सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में क्या बोलते हैं वर्क कर रहा हूँ, जिसमें से मैंने काफ़ी सालों से मैं टीच भी कर रहा हूँ आप लोगों को पता है, एंड उससे पहले मैंने काफ़ी ढेर सारे इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। तो टोटल इन 10 ईयर्स का जो भी एक्सपीरियंस है उन एक्सपीरियंस को मैंने निचोड़ निकाल के जो उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एक इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड होती है उसको मैं एक ट्रेनिंग फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करता हूँ 4 मंथ के गुरुकुल प्रोग्राम में। जो लोग नए हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि गाइस गुरुकुल प्रोग्राम का मोटो क्या है और गुरुकुल प्रोग्राम में करते क्या है, स्पेशल क्या है। तो गुरुकुल प्रोग्राम बेसिकली गाइस नथिंग, इट्स जस्ट लाइक प्रिपरेशन करवाया जाता है इसके अंदर आपके लिए कि आप इंडस्ट्री में कैसे अपने आप को वेल नोन कर सको, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर कैसे अपने आप को खरा उतार सको। क्या होता है बेसिकली गाइस, इंडस्ट्री कहीं और है और हम कहीं और, मतलब सॉरी हम ऊपर बोल दिए ठीक है, इंडस्ट्री कहीं और है और हम जो पढ़े हुए हैं वो यहाँ पर है, उसे कैसे मैच किया जाए, कैसे उसके लेवल में आके हम इंटरव्यू को क्रैक कर सकें, उसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो इसका नाम है कंसिस्टेंसी। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को 4 मंथ में डेडिकेटली अगर प्रैक्टिस करते हो 100% आप सक्सेस पाते हो। बट इस सक्सेस का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क है कि 80% से ज्यादा जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करोगे तब तक इस सक्सेस का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, इवन बोल सकते हैं कि सक्सेस भी नहीं मिल पाएगा। तो बेसिकली होता है क्या गाइस कि जैसे स्टार्टिंग में कोई क्या बोलते हैं इंडस्ट्री में हमको कैरियर बनाना है, सपोज आप ही कई लोग साइट इंजीनियर होंगे, कई लोग क्वालिटी में होंगे, तो आपको पूरा एक डोमेन सेट करना है। डोमेन सेट करने के लिए देखो मेहनत तो करना पड़ता है, तो इसलिए 4 मंथ जो है गाइस अगर आपने मन लगा के मेहनत कर दिया तो बिलीव करिए इस 10 ईयर में मैंने ये तो सीख ही रखा है बेहतरीन तरीके से कि व्हाट इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड। तो मैं वो सारी चीजें आपको दे रहा हूँ और हमेशा, क्योंकि मैं तो अपडेट रहता हूँ, मैं तो दिन भर इंडस्ट्री में हूँ गाइस, आप सबको पता है कि बीम और स्ट्रक्चर्स की कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर हो उस कंपनी में अपने स्टूडेंट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इन एवरी कंपनीज, कंपनीज मतलब जिनका मैं बात कर रहा हूँ जो ठीक ठाक कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी में हो सकता है ना हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है गाइस कि हमें पता है कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, उनको टेक्निकल राउंड में उनको क्या क्या चाहिए, मीन्स आपसे टेक्निकली वो क्या क्या जानना चाहते हैं, कैट टेस्ट में वो आपसे क्या जानना चाहते हैं, एमसीक्यू टेस्ट में वो क्या आपसे जानना चाहते हैं, कुछ कंपनियां रिटन एग्जाम कराती है उसमें वो क्या चाहते हैं, दैट वी नो वेरी वेल। उसी की इस पूरे 4 मंथ में क्या होता है गाइस कि कई लोग सोचते हैं कि सर बीआई में आप कौन कौन सा सॉफ्टवेयर सिखाएंगे। भाई देखो सॉफ्टवेयर हम सिखाएंगे ऑटो कैड, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी, नेविस वर्ड, टेक्ला, 3ds मैक्स, स्केचअप, क्या इससे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। कंपनी को रिक्वायर्ड होते हैं कॉन्सेप्ट्स जो कि आप टेक्निकली, जिससे आपको बोला जा सके कि आप टेक्निकली प्रिसाइज हैं। तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए बीपी, उनको चाहिए कोवी, उनको चाहिए एलओडी, उनको चाहिए 6D, 70, 8D, उनको चाहिए डिफरेंट डिफरेंट एलओआई क्या होते हैं, उनको चाहिए कि आपको क्या फुटिंग का रेनफोर्समेंट लगाने का प्रॉपर मेथड पता है, क्या परसेंटेज ऑफ स्टील पता है, क्या उसके अंदर बीम में कैसे रेनफोर्समेंट लगाएंगे, कॉलम में रेनफोर्समेंट, लैपिंग क्या होता है। प्लीज़ किसी का माइक ऑन है ऑफ कर दें, मैं 10 मिनट ही समय लूंगा, उसके बाद मुझे पता है अभी रील्स का जमाना है, उससे ज्यादा तो अभी उम्मीद नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, बट ये सच है क्योंकि गाइस हम लोग का पेशेंस लेवल धीरे धीरे कुछ कंपनियां मिलकर डाउन करती चली जा रही हैं, तो ये हमारे बर्बादी का लक्षण है जो हमें धीरे धीरे हमारे पेशेंस को कुछ कंपनियों के द्वारा स्ट्रेटजी वाइज बोल सकते हो बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है, हम पेशेंस रखना खत्म कर चुके हैं। तो बेसिकली गाइस हम लोग इस 4 मंथ में पेशेंस ही रखना पड़ेगा क्योंकि मैं तो स्टूडेंट ही उन्हीं को मानता हूँ जो 80% अपने अटेंडेंस को मेंटेन करे, बट अगर आप इतना कर सकते हैं मेरे लिए तो 100% आप सक्सेस पा सकते हैं, ये भी मेरी गारंटी है क्योंकि हम लोग सुबह से शाम तक देख रहे हैं इन एवरी कंपनी, एवरी रिजल्ट,
ठीक है, आज भी मुझे रिजल्ट मिला हुआ, मतलब इस तरीके से रिजल्ट मिलता है, तो रिजल्ट का हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कंपनी को, आप कंपनी को जाके बोले कि सर मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे इन चीजों पर बिलीव नहीं है, मैं आपको क्या करता हूँ गाइस, मैं आपको पोर्टफोलियो स्ट्रांग करवा देता हूँ, जिसको देख के कंपनी पूछे ही ना कि आपको आता है कि नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो ही बोलेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। जैसे ही बात करें स्ट्रक्चर्स में, कुछ लोग करियर बनाना चाहते होंगे जिन्होंने एम टेक किया होगा, बी टेक किया होगा, बी किया होगा, तो सोचते हैं कि अरे एम टेक, मुझे पता चला कि स्ट्रक्चर्स में जॉब लेने के लिए स्टैट प्रो सफिशियंट है, ऑटो कैड स्टैट प्रो सीख लेंगे, स्ट्रक्चर में जॉब लग जाएगी, नहीं लगेगी गाइस। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर सीखने से किसी का स्ट्रक्चर्स में जॉब लग जाता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर कोई बन जाता है, बिलीव करिए 12th पास बच्चे को भी मैं अगर स्टैट प्रो में अपनी भाषा में एकदम सरल तरीके से जैसे सिखाता हूँ सिखा दूं, 12th पास बच्चा भी स्टैट प्रो सीख जाएगा, तो मैं क्या उसको भी स्ट्रक्चर इंजीनियर बोल दूं? नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर का मतलब होता है उसके पास स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज हो, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स उसको चाहिए होंगे, उसको शियर फोर्स पता हो, उसको बेंडिंग मोमेंट पता हो, उसको डिफ्लेक्शन पता हो, उसको मोमेंट ऑफ इनर्सिया पता हो, उसे IS 456 पता हो, IS 189 पता हो, स्टैटिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस पता हो, बेस शियर पता हो, विंड प्रेशर पता हो, उसे विंड के लिए कौन सा कोड यूज करते हैं, कितना विंड प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं मैनुअली ये पता हो, डायनेमिक एनालिसिस में रिस्पांस स्पेक्ट्रम पता हो, पुश और एनालिसिस पता हो, पी डेल्टा इफेक्ट्स पता हो, ये चाहिए होता है एक स्ट्रक्चर्स इंजीनियर बनने के लिए। ठीक है, हमें क्या पता होता है कि ऑटो कैड स्टैट प्रो, बिलीव करिए अगर ऑटो कैड स्टैट प्रो ही आपको चाहिए तो मेरे पास तो नहीं आना चाहिए, उसके लिए बिलीव करिए मैंने ही यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस डाले हुए हैं, आप वहां सीख सकते हैं, बट उससे स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। और दूसरी बात क्या होता है गाइस कि हम सब लोग यूज टू नहीं रहते इंटरव्यू से, यूज टू नहीं रहते, तो उससे क्या रहता है कि हम इंटरव्यू को सही तरीके से क्रैक नहीं कर पाते हैं, इसीलिए अपने गुरुकुल में एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग एवरी मंडे को, या फिर बोलिए कि वंस अ वीक हम लोग मॉक इंटरव्यू करते हैं। मॉक इंटरव्यू क्या होता है गाइस, हमारी हेजिटेशन पूरी तरीके से खुल के आ जाती है सामने, मतलब हम कितने भी इंट्रोवर्ट टाइप बने रहे, अपने आप जब बार बार हर हफ्ते इंटरव्यू देना है तो ऑटोमेटिक हमारा कॉन्फिडेंस रेज 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 हो जाता है, और फिर उसी में जब कैट टेस्ट हो जाता है, टाइम पर कोई चीज बनाना है, प्रेशर, उससे क्या होता है कि आपकी एक्टिविटी और निखर के आ जाती है इस तरीके से आपके। और उसके बाद जब आपका MCQ है, फिर रिटेन टेस्ट होता है, उससे तो फिर आप समझिए कि आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाता है इस गुरुकुल प्रोग्राम के अंदर। तो गुरुकुल को मैं अगर एक वर्ड में एक्सप्लेन करना, एक सेंटेंस में, वर्ड में नहीं हो पाएगा गाइस, एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करूं तो, अगर आप एक मेंटर सर्च कर रहे हैं कि मुझे कैरियर बनाना है अपना BIM या स्ट्रक्चर्स में, मुझे कोई एक मेंटर सही गाइडेंस कर दे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो उसी के लिए ये स्ट्रक्चर्स का या फिर BIM का गुरुकुल प्रोग्राम बनाया गया है, और उन्हीं के लिए है। मैं आपको इतना ट्रस्ट दिला सकता हूँ गाइस कि आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं मेरे ऊपर, लेकिन शर्त यही रहेगी कि 80% के ऊपर अटेंडेंस रहे। अगर मेरे पास सौरभ आए सर मेरी जॉब नहीं लग रही है, तो मुझे सौरभ का सिर्फ यही रिकॉर्ड याद रहेगा, इन्होंने क्या 80% से ज्यादा वर्क किया था क्या, क्या 80% से ज्यादा इन्होंने असाइनमेंट्स किए थे क्या, 80% ज्यादा क्या ये प्रेजेंट थे क्या, और अगर ऐसे थे तो सौरभ मेरे पास आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि तब इनका पोर्टफोलियो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि तब इनको पता होगा अप्लाई कैसे करना है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, अपने आप इनका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, तो यही अपने गुरुकुल का राज है, मैं एज ए मेंटर आपके लिए काम करता हूँ, बाकी तो सारा मेहनत डेफिनेटली आप करते हैं, और सही बताया तो सिलेक्शन आप ही लेते हैं, मेरा उसमें बस इतना से योगदान है गाइस कि मैं अपने इस 10 साल के एक्सपीरियंस को एक तरीके से क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करके आपको रास्ता दिखा देता हूँ कि देखो भाई आपको स्ट्रक्चर्स में बस इतनी चीजें चाहिए। BIM में तो अभी जो BIM में मेरे कई स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी हैं, मैं इनको बोल चुका हूँ क्लास में, क्या बोल चुका हूँ, ये मेरी 3 नोट्स है, कुछ मैं 3 नोट्स मैंने दिया हुआ है, वो 3 नोट्स केवल आप ले लीजिए तो BIM का इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, लेकिन वो 3 नोट्स से ही केवल काम नहीं होगा, डेफिनेटली जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वो चीजें भी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे पता है कि इंटरव्यू में क्या चाहिए वो तो मेरे पास रेडी है। ठीक है, लेकिन उसके साथ और भी चीजें आपको पढ़नी होती है, जिसके लिए आपको प्रॉपर डेली 5 आवर्स, इसमें से 1.5 आवर्स लाइव, 1.5 आवर्स रिकॉर्डिंग और 2 घंटे की प्रैक्टिस लगेगी, ये नहीं हो सकता तो नहीं करना चाहिए। क्यों? फिर मतलब नहीं निकलेगा, जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिजल्ट ही नहीं आएगा ना गाइस। ठीक है, चलिए अब मेरा समय समाप्त होता है, मैं आपको सिलेबस दिखाऊं, या तो आप बोलिए मैं सिलेबस आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है अंकित, अगर आप यहाँ पर हैं तो ग्रुप का लिंक दे दीजिए सबको, मैं सिलेबस शेयर कर देता हूँ, दिखाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, डायरेक्ट वो रीड करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। सिलेबस का लिंक, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दीजिए जिसमें सिलेबस शेयर कर रहे हैं,
फटाफट सबको सिलेबस मिल जाएगा, तो इजीली वो दे कैन बी चेक। देखिए तो मेरे पास रहेगा तो ओके, ये आप लोग देख लीजिए गैस, ये ग्रुप आ रहा है आपके पास, इस ग्रुप को जब ज्वाइन कर लीजिए सारा सिलेबस इसी ग्रुप में आपको मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं रहेगा आपको। ठीक है, कर दी हाँ जी हुकुम, बिल्कुल कर रहे हैं जी। सर। जी जी ओके जी, ओके गाइस, अभी जस्ट आप लोग हैंड रेज ऑफ रखें। हाँ, ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, जो लोग भी चाहते हैं कि मुझे बीआईएम या स्ट्रक्चर्स में करियर बनाना है, सिंपल आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। हुकुम, जस्ट थोड़ा सा प्लीज, ओके थोड़ा सा वेट कर ले प्लीज, थोड़ा सा ओके ओनली। ठीक है, इस ग्रुप को ज्वाइन करके गाइस क्या कर सकते हैं आप, माइक ऑफ कर दे प्लीज, एंड ओके क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को ज्वाइन करके फटाफट आप लोग स्ट्रक्चर्स और व्यायाम का सिलेबस देख लीजिए। मैं एक्सप्लेन करूंगा तो कितना एक्सप्लेन करूंगा, मैंने तो सिर्फ बता दिया कि मेरी मेंटरशिप में ये क्लास होती है गाइस, अगर आप डेडिकेटेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक, आपको पता है कि हम कोई किसी को फोर्स नहीं करते किसी चीज़ के लिए, क्योंकि मेरा मानना है जिसको रास्ता चाहिए वो डेफिनेटली आके खुद ही प्रैक्टिस करेगा, खुद ही मेहनत करेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। सौरभ सैनी जी बहुत देर से हैंड रेज किए हुए हैं, तो इनका पहले क्वेश्चन लेते हैं। सौरभ जी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। सौरभ, यू वांट टू आस्क समथिंग, आपने हैंड रेज किया गाइस, बाकी लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं, ऐसे हैंड रेज का ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट क्लिक कर देंगे मेरे पास आ जाएगा कि आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ठीक है, मोहम्मद शाकिब कुछ पूछना चाह रहे हैं, शाकिब पूछिए। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, सर सर एक्चुअली सर मैं 2021 पास आउट हूँ सिविल इंजीनियर से, आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज से। ओके सर उसके बाद मैंने सेल्स ज्वाइन कर लिया है बायजूस में। फिर मैं 2 साल काम करने के बाद एक कंपनी स्विच किया, लेकिन सेल्स में। लेकिन सर अभी मेरे साथ मतलब ये इशू आ रहा है, मैं टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा हूँ और भी मतलब, तो इस डोमेन से मुझे स्विच करना है। तो सर मुझे बेसिकली जैसे गल्फ रीजन या ये सब में काम करना है, तो लेकिन मुझे मतलब बेसिक नॉलेज नहीं है। मतलब आप तो जान रहे हैं सर, मतलब एग्जाम तो समझ आदमी रहा हूँ, पास कर जाता। और प्लस 2021 के बाद सब कुछ उड़ भी गया है, तो बहुत जी ज्यादा आप जी डोमेन सर से बाहर हो चुके हैं। तो हाँ शाकिब, सबसे पहले तो बोलूंगा आप जितना जल्दी हो सके अपना जॉब चेंज कर लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस इधर होता जाएगा ना, उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होती जाएगी, नेक्स्ट कंपनी आपसे पूछेगी आप इस इंडस्ट्री में क्यों आ रहे हो फिर, है ना, तो ये जी क्वेश्चन सर मार्क आ जाएगा। प्लस अपना डोमेन कभी भी गाइस किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, अगर आप छोड़ रहे हैं लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होगा, खुद अभी साकी खुद आपके सामने एग्जांपल है, बहुत लोगों को मैंने तो देखा हूं। तो अपने डोमेन को छोड़ना नहीं है, कम पैकेज मिले सही रास्ता चूज करो एक्सपीरियंस के बाद। आज मुझे एक लड़का फोन करता, शायद आप ही से कोई होगा, तो उसने फोन किया कि सर क्या बोलते हैं, हमसे अच्छे तो क्या बोलते हैं लेबर और मिस्त्री हैं, उनकी सैलरी हमसे ज्यादा है, एग्जाम्पल के लिए जैसे ऐसे बताया उसने। तो मैं नहीं समझ पाया, फिर मैंने उसको आसान भाषा में बताया, मैंने बोला कि लेबर कितना चार्ज लेते हैं इससे, मैं तो बोला कि सर 400 रुपये लेते हैं अभी, तो मैंने बोला कि नेक्स्ट ईयर क्या लेंगे, तो बोला 400 ही लेंगे, मैंने बोला उसके नेक्स्ट ईयर में क्या लेंगे, तो बोला 400 ही लेंगे सर, और क्या लेंगे, बहुत लेंगे, 410 रुपये लेंगे, 420 रुपये लेंगे। तो मैंने बोला ये बताओ, अगर तुम आज एज ए इंजीनियर 20,000 रुपये ले रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर क्या लोगे, तो बोला सर 25,000 तो कम से कम एक्सपेक्ट करेंगे। हमने कहा उसके नेक्स्ट ईयर तुम क्या लोगे, बोला सर 30,000 रुपए तो एक्सपेक्ट करेंगे। समझ रहे हो साकिब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा अपने आप क्या हो जाएगी, हमारी सैलरी तो एडसन हो जाएगी, इसलिए प्रोफाइल कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। रही बात साकिब आपकी, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बीआईएम में करियर बनाना चाहिए, स्ट्रक्चर्स में आपको नहीं बनाना चाहिए। स्ट्रक्चर्स बेसिकली उनके लिए है जिनका कोर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, क्लियर बताता हूँ, किसी को कोई भी डिफेंड नहीं होगा कह रहे यार मेरा नहीं है क्या कोर, तो स्ट्रक्चर्स जिसका कोर स्ट्रांग है तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होता है। आप बीआईएम में करो, आप अपना ओल्ड एक्सपीरियंस आपको नहीं दिखाना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, उसके जगह आपको बताना पड़ेगा मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। हेलो सर, और हेलो सर, नितिन सर, हेलो, मैं प्लीज नमस्ते सर, प्लीज सॉरी फॉर प्लीज डिस्टर्बेंस। हेलो, जस्ट हैंड रेज कर लो, कोर, प्लीज प्लीज हैंड सॉरी रेज कर लो, कोर कोर बोल तो क्या, मुझे समझ नहीं। मैं आपको हेलो, बता दे रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा मैसेज करें अगर ओके आप लोग बीच में गैस, ओके, सॉरी ओके सर, सॉरी। हाँ गैस प्लीज, बाकी लोग एक थोड़ा सा एक इनका क्लियर हो जाए ना, आप मैं बोलूँ 12 बजे तक आप आराम से बैठिए, मैं सारे क्वेश्चन कैंसिल करूंगा, बट इनको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मेरे आंसर मिल गए। तो साकिब जी आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, उसके बाद मैं अभी बीआईएम में करियर देख रहा हूँ, आपके जैसे ही हमारे एक स्टूडेंट अभी जस्ट सिलेक्शन हुआ बहुत अच्छी एक टेक्सचर कंपनी में,
नागपुर वाले और इंदौर वाले जानते होंगे, तो उस कंपनी में उसका हुआ, उसका 2018 से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, राजील पॉडकास्ट तो पड़ा हुआ है आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे तो राजील का 2018 से कैरियर गैप था और उन्होंने प्रॉपर मेहनत किया, बेस्ट पोर्टफोलियो, अच्छा मैं दिखा देता हूँ राजील का पोर्टफोलियो मेरे पास है, तो उसने मेहनत किया और मेहनत करके अभी वो जॉब ले लिया एक एमएनसी के अंदर। तो साकिब यही चीज आपको भी करना पड़ेगा, मैं अभी जस्ट देख रहा था राजील का पोर्टफोलियो सामने था, ये देखो राजील का ही पोर्टफोलियो खुला हुआ है। अब देखिए अब राजील भले ही गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन अब ऐसा लगेगा आपको कि अरे यार इनको तो काफी कुछ आता है। अब देखिए इनका वर्क मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगा, टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें, ठीक है। अब देखिए इन्होंने राजील ने अपने यहाँ पर ट्रेनिंग किया, डेप्थ में ट्रेनिंग किया, डेप्थ में चीजें बनाई, देख रहे हो कितना डिटेलिंग में वर्क किया हुआ है। और फिर जी क्या उसके बाद इन्होंने आराम से जॉब ले लिया। यही चीज साकिब आपको करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी करिए, लेट जितना करेंगे आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब इसको देख हेलो के आपको नमस्ते सर। लगेगा, हेलो नमस्ते जी, प्लीज हैंड रेस्ट करके रखें, इनके क्वेश्चन हो जाए उसके बाद मैं ले रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोलते हैं गाइस, इस तरीके से जब आप सीख लेंगे अब इनके प्रोजेक्ट को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार जब इतना कोई कर लेगा तो कोई क्वेश्चन मार्क कैसे लगाएगा, और इनकी एमएनसी में जॉब लग गई। तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, अगर इतना मेहनत कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा साकिब। होप सो आपका आंसर हो गया होगा, आपको मिल गया होगा। एक सर मैं क्वेश्चन सौरभ, और। हेलो सर, मैं हाँ सौरभ। सौरभ बस थोड़ा सा रुक जाए प्लीज, साकिब का हो जाए फिर आप ही का आंसर करते हैं जी गाइस। सर, हाँ जैसे व्हाट आर द प्री मतलब प्री रिक्वायर्ड नॉलेज क्या रहना चाहिए बीआईएम में नथिंग स्विच करने नथिंग की? नथिंग, जो मैं दूंगा मैं खुद ही आपको बेसिक्स कराता हूँ, मैं ऑटो कैड इसीलिए कराता हूँ, ऑटो कैड इज नॉट द पार्ट ऑफ बीआईएम, मैं खुद कराता हूँ। उसका रीजन ये है उसके अंदर जो बेसिक्स चाहिए होती है मैं ऐड कर देता हूँ, आपको कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक मतलब है। सर, अगर कोई जैसे सिविल इंजीनियरिंग अगर 4 साल किया भी है, हाँ उसको प्रॉपर अपना कंटेंट या फिर याद नहीं है सिलेबस या जो भी बात नहीं है, चाहिए, तो नहीं चाहिए, वो भी इसमें स्विच कर सकते हैं। हमने नोट्स बनाया हुआ उसके लिए, उनको बेसिक्स क्या चाहिए मैं दे दूंगा, बस उतना पढ़ ले काम हो जाएगा, ठीक है, उसका टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें पता चल चुका है ना कि इंडस्ट्री क्या चाहिए, उतना हम आपको दे देंगे, पढ़ लीजिए काम हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, अब मैं ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी थैंक यू। हेलो हेलो, अब सौरभ जी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, सर मैं सिविल इंजीनियर से बीटेक हूँ, हाँ 2018 पास आउट हूँ। हाँ सर मैंने 4 साल वाटर सप्लाई के अंदर काम किया है, ओके और सर अब मैं 1 ईयर से मैं अभी ऑटोकैड प्लस 3D मैक्स का कोर्स भी लिया है, उसको प्रिपरेशन भी की है, और यहाँ पे पास में यहाँ पे आर्किटेक्चर उनके पास में वर्क कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और प्रोफाइल क्या है आपकी? सर सिविल इंजीनियरिंग है, अच्छा बीटेक है। ओके, हाँ बताइए। हाँ जी सर, तो मैं आगे सोचना चाह रहा हूँ कि सर मेरे को क्या करना पड़े, 3D मैक्स ही रनिंग में रखूँ या फिर आगे कुछ बीएम चेंज वगैरह। करो, चेंज करना पड़ेगा तुम्हें, 3ds Max का स्कोप जो है आगे लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। अगर क्योंकि अभी तो मेरे बहुत से, मैं खुद भी काम कर चुका हूँ तो मुझे पता है 3ds Max का जो स्कोप है ना एक टाइम के बाद लिमिटेड हो जाता है। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, एक एक लोग का ही आंसर करेंगे तो क्या होगा, इनको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए ना कि मेरा आंसर मिल गया मुझे, तो आप लोग बस समय दीजिएगा, सबके आंसर्स होंगे, तो कोई बीच में सोच रहा है क्या मेरा क्वेश्चन, तो प्लीज दो थोड़ा सा समय। तो सौरभ क्या होता है कि अगर आप 3ds Max में केवल रहेंगे तो ये क्या बोलते हैं आपके लिए अच्छा नहीं, आगे आपका जो स्कोप है ना फिक्स हो जाएगा, फिर आपका पैकेज में प्रॉब्लम होगा आपको, बेटर तरीका। और दूसरी चीज क्या होगा, अब नेक्स्ट कंपनी को आप केवल ये ना बोले, तो आप नेक्स्ट कंपनी को क्या बोले कि हमें क्या बोलते हैं ऑटोकैड, रेविट और 3ds Max में तीनों में मैं काम करता था, ऐसा उनको बोलना पड़ेगा, तब तुम्हारा क्या होगा एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा फ्रेशर हो जाओगे बीआईएम में, समझ गए। अब रेविट में काम करने के लिए, अब देखा अभी राजल का पोर्टफोलियो, ऐसे में बहुत प्रोजेक्ट देता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस ले लीजिए कि बता सके नेक्स्ट कंपनी को भाई मैं इस पर काम करता था, आराम से स्विच हो जाएंगे आप, जी लेकिन सर। जल्दी कर लीजिए, जितना लेट करेंगे ना उतना आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि फिर क्या होगा कंपनी ज्यादा एक्सपेक्ट करेगी आपसे। सर मेरे को अभी कौन सा कोर्स और अलग से बीआईएम बीआईएम वगैरह फ्रेशर के लिए बीआईएम ही बीआईएम करना पड़ेगा? बीआईएम ही करना चाहिए, और क्या अच्छा बोलते हैं सर, यहाँ पर अंकित सर का नंबर है, आप इनको कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, आपको ब्रीफ कर ठीक देंगे, ठीक है, है ये सर। नंबर लिख लीजिए, मैं लिख यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, ठीक है जी चलेगा। हेलो ओके जी, एंड सर। हाँ जी पुरुषोत्तम जी बताइए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है, मतलब मैं बीटेक सिविल हूँ और मैं अभी 4 ईयर से साइट इंजीनियर की जॉब कर रहा हूँ रियल एस्टेट कंपनी में। करेक्ट, और ठीक है, तो अभी मेरा नॉलेज जो है साइट पे बहुत अच्छा है, मतलब जो जो बार बेंडिंग शेड्यूल होता है एस्टिमेशन उतना तो हो गया। बीम में स्विच करने का एक ही है कि मतलब इसमें फ्यूचर है, मतलब इसमें सैलरी अच्छा मिलता है, ये तो मुद्दा, मतलब एक्चुअल मुद्दा है। करेक्ट
सर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैं तो वर्किंग हूँ, मेरा मान लीजिए मैं साइट में काम करने जाता हूँ 9:30 से, और काम खत्म कब होता है आपको मालूम है, साइट में कोई एकदम परफेक्ट टाइम नहीं होता। तो सर ऑनलाइन क्लास शायद आप लोगों का 7:30 से होता है, 8:30। 8:30। तो सर अगर मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाऊं तो ऑफलाइन में अगर आपसे आप मतलब आपको आपका शायद भाई होगा वो हाँ बोला हाँ कि ऑफलाइन कोर्स ले लीजिए तो उससे आपका जो प्रॉब्लम है हो जाएगा सॉल्व। ऑफलाइन में आपको नुकसान होगा, आप अपना जॉब छोड़ के आओगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जॉब छोड़ के आना समझदारी नहीं है, ठीक है। उसके अच्छा जगह पे आप ऑनलाइन ही करिए, क्योंकि लेक्चर जो होता है उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, ठीक है। कोई अच्छा किसी दिन लेट हुआ तो आप वहीं आके करिए। देखिए ऑफलाइन दो दो नुकसान है आपका। ऑफलाइन में जो आपका फी जाएगा, 60,000 फी जाता है ऑफलाइन में। अब 60,000 एक बड़ा अमाउंट क्यों खर्च करो, मैं खुद मना कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सेम चीज जब मैं आपको क्या बोलते हैं 20,000 में करके दे दे रहा हूँ, ये ज्यादा बेटर है ना। दूसरी चीज, आपका जॉब नहीं छूट रहा है, ठीक है। हाँ आपका जॉब नहीं छूट रहा है तो आपका दूसरा फायदा हो गया। इसलिए मैं बोलूंगा कि आप ऑनलाइन ही करिए, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी क्लास का जिस दिन मिस हो जाएगा, बट ऑनलाइन में आपका बेनिफिट रहेगा। और सर एक मतलब एक मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं हाँ पिनाकल IIT से एक कोर्स कर रहा हूँ अभी, तो ठीक है उनका रेविट का कोर्स मुझे अच्छा लगा, लेकिन स्ट्रक्चर का मतलब आपके ब्रदर को भी मैंने सेम ही बताया, तो स्ट्रक्चर का कोर्स मुझे एकदम फीका लग रहा है, ओके, तो देखिए ये हाँ मेरे प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलना ठीक नहीं रहेगा किसी का कोर्स के बारे में, ठीक है। हाँ आप सर किसी के कोर्स को गलत भी ना बोले, मैं ये बोलूंगा, ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट बोले मुझे, वो ज्यादा अच्छा मेरा रहेगा। मेरे सर मेरा रिक्वायरमेंट यही है, सर को भी मैंने बोला था कि रेविट का जो है वो तो ठीक है सर, लेकिन स्ट्रक्चर का है जो है उसका मुझे दिक्कत है, तो अगर मैं स्ट्रक्चर का सिर्फ आपका कोर्स लेता हूँ तो उसके साथ मुझे क्या वो मॉक इंटरव्यू और जो सपोर्ट आपको जो आप यस बाकी होकर यस देते हैं ऑनलाइन में जो देते हैं ऑफलाइन में, अगर मैं सिर्फ स्ट्रक्चर का लू या कॉम्बो आपका ऑफर जो है रेविट का और टेप्स नहीं, आपका सिर्फ का उसमें नहीं उसमें है क्या उसमें नहीं। अच्छा वो सारी फैसिलिटी, ओनली गुरुकुल बैच के स्टूडेंट्स के लिए है। और मैं उसमें ज्यादा लोगों को रखता भी नहीं हूँ बैच में, हार्डली 40 to 45 स्टूडेंट ही रखता हूँ। रीजन रीजन ये है कि उसमें मैं पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा हूँ, एक एक करके, एक एक चीजों पर मुझे ध्यान है। मेरे जितने बच्चे यहाँ पर अभी लाइव हैं मैं सबको जानता हूँ, तो मैं ऐसे ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कि 250 लोग हैं, मैं पता ही नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। यहाँ सब मुझे अरुण है यहाँ पर, मैं दिख रहा है मुझे साफ साफ, अतुल है यहाँ पर, भुवन है, विश्वजीत है, ये सब मेरे स्टूडेंट, मुझे पता है। मैं ऐसे ट्रेनिंग देना पसंद करता हूँ। तो इसके लिए क्या अच्छा होता है पुरुषोत्तम, कि इसके लिए मुझे पर्सनली चाहिए, और पर्सनली के लिए मैं अगर 600 लोग रहेंगे मैं कर भी नहीं पाऊंगा और वो रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं सर समझे। मॉक इंटरव्यू के बारे में तो सर ने बोला था, अपने ब्रदर ने बोला था मॉक इंटरव्यू लेते हैं हाँ और शायद सैटरडे को एक आप हाँ क्या बोलिए करो, आप सर अंकित सर से ना अभी अभी इसके बाद कॉल कर लेना, मैं आपसे पर्सनली डिस्कस कर लूंगा। बट गुरुकुल में ये नहीं होता बेसिकली, ठीक है। और सर आपने एक एक शायद YouTube में एक बोला था कि पाइथन का कुछ सिविल इंजीनियरिंग में आ रहा है तो, वो आ रहा है लेकिन वो आपके लिए नहीं है, वो है एक्सपीरियंस लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा एक्सपीरियंस लोगों के लिए जिनका 2 साल BIM में एक्सपीरियंस है उनके लिए ला रहे हैं, तो वो अच्छा ये आपके लिए पाइथन थोड़ा। डेवलपर क्या पाइथन सेम ही होता है जो IT का होता है सेम ही होता है। यस यस यस, सेम होता है। हमारा एक अलेक्स, आप अपना माइक ऑफ कर दें थोड़ा सा, आप अगर हैंड रेस्ट कर लें, इनके इनका क्लियर हो जाए फिर आपका भी क्लियर कर देंगे दोस्त, ठीक है। उससे क्या होगा कि मर्ज हो जाएगा तो दोनों का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आपको। तो उसमें क्या होता है पुरुषोत्तम, कि अभी जो एक होता है कि आपके BIM की एंट्री जॉब वो लगती है, उसके लिए जो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, देने को मैं आपको 16 सॉफ्टवेयर दे दूँ, कोई मतलब नहीं है यार, ठीक है। फोकस किस पर करना है, केवल रेविट पर करना है, नेविस्टोर पे करना है, टेक्ला पे करना है। इन्हीं 3 सॉफ्टवेयर से BIM में जॉब लगती है। उसके बाद जो हमें लगता है अच्छा वो कॉन्सेप्ट लगता है। अब तुम बहुत ढेर सारा बना के खिचड़ी पका लो, जॉब ही ना लगे, मतलब क्या निकला, ठीक अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ रेविट, नेविस्टोर, टेक्ला, इन तीनों पर फोकस करो। इसके बाद जो मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ वो पढ़ लो, जॉब लगनी फिक्स है, वो ठीक है, सर ऑफलाइन में नहीं मिलता है क्या सर? ठीक है। ऑफलाइन के लिए आपको, ऑफलाइन के लिए आप, ठीक ऑलरेडी है। मैंने कोर्स कर खरीद लिया, मतलब हाँ इसके लिए दिक्कत हो रहा है, इसलिए हाँ आपके हेल्प चाहिए ऑफलाइन सर। ऑफलाइन के लिए ठीक है, आप कॉल करिएगा सर को, देखेंगे कैसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है।
और सर कोलकाता वेस्ट बंगाल में कैसा है मार्केट, मतलब मेरा स्विच करना बाकी कोलकाता में नहीं सिटी। से, कोलकाता में नहीं, आपको बीआईएम में जॉब करना है या फिर स्ट्रक्चर में करना है, पैकेज के अकॉर्डिंग नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और बैंगलोर, यही सिटीज में आपको ज़्यादा पैकेज मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, सर्वाइवल तो हर जगह मिल जाएगा, मैं ज़्यादा पैकेज की बात कर रहा मिनिमम पैकेज कितना मिलता है सर वहाँ उन सिटीज में? हूँ। मैंने मिनिमम जो आप एवरेज पैकेज आप गूगल पे चेक करेंगे 4.8 है, अच्छा, ठीक है। और मान लीजिए मेरा एक्सपीरियंस साइट का है तो वो उनको मतलब वो क्या फ्रेशर ही से भी लेगा? नहीं, वो उनका फ्रेशर का सैलरी ही जो होता है वो स्टार्ट ही होता है 30,000 से, आपका अप्रोक्स स्टार्ट होता है बेसिकली, ठीक है सर, ठीक ठीक है है। ओके जी, एलेक्स जी आपका क्वेश्चन बीच में रह गया था, सॉरी हम जी बोल रहे हैं। एलेक्स जी पूछिए पूछिए। गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग जी। जी। सर मैं लखनऊ से हूँ, सैयद अली अरे वाह क्या बात है, लखनऊ से जी। आप, मेरी बात हुई है लग रहा है आपसे। हाँ हाँ सर, मेरी आपसे हाँ कई बार बात हुई, आपसे भी, हाँ आपके भाई से भी, सबसे भी। तो आप इतने कंफ्यूजन में रहते हो, गलत बात है, कंफ्यूजन में। एक बच्चा था मुझे आज मुझे कॉल किया, एलेक्स मैं आपको बताता हूँ कि वो 10 महीने से, अभी तक शायद आप में से ही कोई होगा, मुझे नहीं पता कौन है, तो 10 महीने से बेचारा परेशान है कि मैं करूँ कि ना करूँ। मैंने बोला भाई ना इधर रहोगे ना इधर रहोगे, 10 महीने टाइम क्यों खराब करना, यूटिलाइज। अभी 10 महीने तो कहीं और हो जाता सिलेक्शन। नहीं सर, मैंने ज्वाइन कर लिया ये हाँ अक्टूबर हाँ वाला बैच। अच्छा, बोलो। मेरे ऑटो कैड के सर कुछ लेक्चर छूटे थे लास्ट टाइम हाँ में, मैंने ज्वाइन किया था, बट रेविट का सब रेगुलर चल रहा है मेरा। वेरी गुड, तो सर उससे प्रॉब्लम नहीं है ना ऑटो कैड का जो नहीं मेरा कोई छूटा है वो? बात तो नहीं, मैंने मैं बताया ना, अभी तो बताया, रेविट, नेविस और टेकला, बस अच्छा। ठीक और है। सर मैं ये पूछ रहा था, मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो क्वांटिटी सर्वेयर का है, बिल्डिंग और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में। तो वो जैसे अब नेक्स्ट कंपनी में जाऊंगा तो वो इसमें काउंट होगा कि नहीं? काउंट होगा, उसको बताने का तरीका जो है तुम मुझसे क्लास में पूछना, तो मैं तुमको स्पेशली बताऊंगा। अभी मैं बताऊं तो रिकॉर्डिंग हो रही है और वो चीज बताना गलत होगा, मैं बताऊंगा कैसे करना चाहिए, ठीक। वो जी पर्सनल क्वेश्चन है, ठीक है, हो जाएगा, जी ठीक है, और चलिए सर एक क्वेश्चन बस और था कि बोलो। सर जैसे BIM अभी मैं सीख रहा हूँ, इसी में स्ट्रक्चर भी सीखूँ, तो किसी कंपनी में ऐसी प्रोफाइल होती है कि दोनों का वर्क मैं कर होती है, सकूँ? होती है, वो हायर लेवल पे होती है, कोलैब नहीं करना चाहिए, पहले एक सीखो, एक में जॉब लग जी जाए तो दूसरा सीखो, ठीक है। जी ये समझदारी है, क्योंकि जो वो जॉब होती है जिसमें 5-6 साल का एक्सपीरियंस लगता है, उसमें स्ट्रक्चर बीआईएम का कोलिजन पसंद आता है लोगों को, उसमें काम में आता है, ठीक। उसकी कंपनियां बहुत कम है, जैसे ए कॉम है, रेमबॉल्स है, ठीक है, तुम्हारा कोवी है, ये दार है, यही कंपनियां हैं जो उसको यूज करती है, दोनों टेक्नोलॉजी को साथ में, तो बेटर है कि उसके लिए आप समय लीजिए। अच्छा, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो ओके मच। ओके जी, गोपाल का क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। पहले काफी देर से गोपाल ने मैसेज किया, मेहनत किया हुआ है, तो गोपाल का क्वेश्चन है गाइस कि सर मैं ओके मैंने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ओके जेआरएफ कर रहा था, एनआईटी जालंधर में बीआईएम करना चाहता हूँ, आफ्टर कंप्लीट माय ओके बीआईएम कोर्स शैली क्या हो सकती है? ओके देखिए आपका, आगे देखिए बीआईएम का एक, मैं आपको सबको क्लियर बता दूं गाइस, ठीक है। मुझे मार्केटिंग वालों का नहीं पता है, जो आप लोग कॉल, आप लोग को अलग अलग मार्केटिंग कॉल आते होंगे कि ये जो बोलते होंगे 10 लाख का पैकेज, 12 लाख का सर पैकेज, क्या मैं ऐसा बात नहीं। कर सकता हूँ? यस प्रदीप, बोल दीजिए आप, तो मैं कैंसिल कर दूं, बताइए। सर मैं ना रैबिट सीखा हूँ, मुझे उसमें ना आर्किटेक्ट कुछ जो भी जरूरी चीजें हैं बस वही चीज आता है। मुझे प्लम्बिंग का नहीं आता उसमें, और इलेक्ट्रिकल का लाइट वुड मैं कर लेता हूँ, और जो स्विप है वाइब है जो भी। प्रदीप अगर थोड़ा सा मुझे परमिशन क्या दे, तो करना है? मैं प्रदीप थोड़ा सा परमिशन दे, इनका आंसर कर दूं, फिर मैं आपको बताता हूं दोस्त, ठीक है, क्योंकि आपका आवाज़ भी कट गया तो पूरा आंसर नहीं आ पाया, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, बस 2 मिनट के लिए। तो गोपाल देखिए क्या है कि अगर आप क्या बोलते हैं, ये ऑलरेडी इन्होंने बोला कि एमटेक स्ट्रक्चर कर जेआरएफ कर रहे थे, तो अगर गोपाल अपना माइक ऑन कर ले तो और अच्छा रहेगा। बीआईएम करना चाहता हूँ, आफ्टर कंप्लीट माय बीआईएम कैसे ले, देखिए बीआईएम के लिए मैं बात कर रहा था गाइस, तो बीआईएम में बिल्कुल आदित्य आपका क्वेश्चन थोड़ी देर में कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है गाइस, बीआईएम जो है इसमें आपको अगर कोई मार्केटिंग वाला कॉल करके बोल रहा है कि 12 लाख का पैकेज, 8 लाख का पैकेज, तो ऐसे अफवाहों में मत आए प्लीज, ठीक है। मैं कोई मार्केटिंग वाला तो हूँ नहीं कि मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलूंगा, मैं टीचर हूँ यार, तो मैं तो जेन्युइन बात ही मुझे मेरे से हो सकती है। तो मैं आपको बता दूँ कि बीआईएम में 3 तरह के पैकेजेस लगते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और आपका जो सिलेक्शन हो रहा है एक मिड लेवल कंपनी में हो रहा है, मिड लेवल कंपनी किसको बोलते हैं गाइस, जो कि क्या बोलते हैं, जिनके 4-6 ब्रांचेस हैं, तो सैलरी अलग होगी,
छोटी कंपनी में सैलरी अलग होगी, एमएनसी में सैलरी अलग होगी। अब आप बोलेंगे सर छोटी और बड़ी से रिकॉर्ड क्या होगा, एवरेज क्या होगा? तो अगर कोई भी एक छोटी सी कंपनी है जिसका, जैसे मेरी कंपनी है, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कंपनियां जो छोटी सी होंगी, एक कमरे दो कमरे में चल रही होंगी, उनकी सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी को अफसोस होगा तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन सच है। उसके बाद जो मिड लेवल की कंपनी होगी, वो पैकेज जो आपको प्रोवाइड करेगी, वो 25 से, मतलब कि 20 से 25 तो ये लोग प्रोवाइड करते हैं, 25 से 30 हज़ार रुपए के बीच में प्रोवाइड करेगी, जिनका मैं अभी जैसे टेक्सचर की बात कर रहा था, ऐसी कंपनी है जिनके दो ब्रांचेस हैं, तीन ब्रांचेस हैं, ये 25 से 30 हज़ार रुपए फ्रेशर को प्रोवाइड करेंगे। कोई भी एमएनसी है तो वो 30 प्लस, ठीक है, एमएनसी में अभी अपने स्टूडेंट्स गाइस 6 लाख का भी पैकेज पाए हुए हैं फ्रेशर। बट मैं ये नहीं बोलूंगा सब पा जाओगे, ऐसा नहीं, गलत होता है ये चीज। कुछ लोग जो इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, जिनका मॉडलिंग बहुत अच्छा है, पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, बीम का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो 5 लाख 6 लाख पाया जा सकता है। बट ये एमएनसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मिड लेवल कंपनी ओनली 25 to 30, स्मॉल स्केल ओनली 20 to 25, दिस इज द फैक्ट। बाकी आप मार्केटिंग वालों की बात में आएंगे तो भाई अलग बात है, मैं मार्केटिंग वाला नहीं, मैं टीचर हूँ, ठीक है। होप सो गोपाल आपका आंसर मिल गया होगा, ये आप ही के लिए था, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आदित्य आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? प्रदीप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आदित्य पहले पूछ रहे हैं, इन्होंने पहले हैंड रेज किया है। यस आदित्य हेलो सर। बोलिए। हाँ जी सर, मेरा यह सवाल है कि मैं अभी, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है हाँ सिविल इंजीनियरिंग का अभी अभी, हाँ और मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता हूँ जिनके यहाँ मैं वहीं से सीखा रिवीट और आर्किटेक्चर। बहुत अभी बढ़िया। मेरा यह सवाल है कि मैं अभी तक काम तो कर रहा हूँ वहां पे, हाँ पर उनके यहाँ ज्यादातर एमपी का काम हो रहा है, तो मेरे को होता आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर का भी हो, हाँ हाँ पर कभी कभी अभी वो कम प्रोजेक्ट है, बहुत हाँ देर 6 6 महीने बाद आते हैं आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर के, करेक्ट करेक्ट। तो मुझे अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी मैं कंफ्यूज में, मुझे बाहर देखना चाहिए। अभी मैं तो एज ए इंटर्न ही काम कर रहा हूँ उनके यहाँ कितने महीने हुए आपको? सर, अभी मेरे 4 महीने हो गए। 6 महीने करके चेंज कर देना चाहिए आपको, ठीक है, 6 महीने कर लो, क्योंकि 6 महीने के नीचे करोगे तुम्हारा एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, ठीक है, इंडस्ट्री में 6 महीने मिनिमम चाहिए होता है, तो छः सर, महीने हो जाए तो फिर चेंज कर लो। पर सर मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा वो सिर्फ एमएपी में रहेगा फिर ये तुम जानते हो, ठीक है, तुम अपना तो? नॉलेज ऐसे बढ़ाओ कि तुम ये मत बोलो कि तुम्हारा एक्सपीरियंस केवल एमईपी में, तुम तो मॉडलर हो ना, यस ठीक है, सर। तो मॉडलर तो किसी भी चीज का मॉडलिंग कर सकता है। हमारे पास एक बच्चा है, वो ऑलरेडी ऐसे ही किया था, यहीं पर कंपनी है स्वारगेट के पास में गए, तो उसमें वो एमईपी का वर्क करता था, बट उसकी प्रोफाइल थी भी मॉडलर, वो भी बहुत परेशान था, 2 साल से परेशान था वो, उसको आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस ही नहीं था, तो उसने क्या किया, अपने पास ट्रेनिंग करके बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर्स में। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कंपनी में जाके जो मैंने उसको बताया था, वैसे उसने बताया कैसे हम लोग क्या करते हैं, आपको कस्टमाइज आंसर भी बताते हैं, उसको मैंने कस्टमाइज आंसर बताया कि नेक्स्ट कंपनी में जाके बोलना है कि हम, क्योंकि देखो कैसे है कि तुम्हारी कंपनी किस किस चीज काम करती है मैं कितना याद रखूंगा एज ए कंपनी ओनर, तो तुम जो बोलोगे वही मैं मानूंगा, शक होगा मैं तुम्हारा काम देखूंगा। तो उसने यही समझाया कि सर मैं आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमबीपी तीनों ही मॉडलिंग, तीनों पर ही मॉडलिंग करता था, और उसके बेस पर उसने अपना वर्क बताया, और जो जो मैंने बताया था एक्सप्लेन किया, उसका सिलेक्शन हो गया। तो आपको बेसिकली आदित इतना स्ट्रांग अपना नॉलेज रखना पड़ेगा कि किसी को बोल सके आप कि मैं तीनों ही डिस्ट्रिक्ट में काम करता था, शक होगा, उसके लिए पोर्टफोलियो है। अभी मैंने राजिल का पोर्टफोलियो दिखाया, मेरे हर स्टूडेंट का पोर्टफोलियो होता है जिसके बाद कोई शक नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं लाइव प्रोजेक्ट देता हूँ आपको पूरे ट्रेनिंग में, ठीक है। ठीक है सर। और मेरा जो आखिरी सवाल है, जो आपके कोर्स सपोर्टिव वाला, क्या उसमें हाँ क्या क्या हो सकता है? मतलब किसमें, गुरुकुल वाले में? नहीं, वो आपके वाले, अभी तो मेरा तो कोर्स तो हो गया, मैं हाँ तो अभी सीख रहा, हाँ हाँ तो अभी मेरा कोर्स लगा कि तो कोई फायदा नहीं होगा, जो भी हाँ जो कुछ भी सीखा है मैंने, अभी हो गया है मेरा करेक्ट मेरा अभी तो मेरे को रिवेट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर आता है, मैं खुद बना हाँ लेता हूँ करेक्ट मॉडल्स और एमईपी का भी कर लेता हूँ। करेक्ट तो आपका जो सपोर्टिव कोर्स है 1800 वाला, हाँ, तो उसमें मुझे क्या सपोर्ट तुम्हें मिल जब सकता तुम्हें है? जरूरत नहीं है उसकी, तुम डायरेक्ट पोर्टफोलियो बना के सिंपल अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, छोड़ो उसको जरूरत ही नहीं। पोर्टफोलियो बनाने का मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, वॉच करके आराम से हो जाएगा तुम्हारा। नहीं, पर वो एक हेजिटेशन आती है सर, जब इंटरव्यू के सामने आगे बैठते, तो वही एक बात रहती है कि कैसे बात करना है, करके वही नहीं हाँ वो जमता। उसकी जो बैचेस होती है मैं बहुत कम चलाता हूँ, एक बैच चलती है मेरी जो कि मैं साल में हार्डली एक दो ही चलाता हूँ, मेरे पास भी थोड़ा टाइम का समस्या रहता है, उसमें मैं चलाता हूँ एक इंटरव्यू प्रिपरेशन करके, ठीक है, उसमें सिर्फ मॉक इंटरव्यू, रिटेन टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, इसी की तैयारी होती है,
अभी वो बैच मैं चलाने के मोड में नहीं हूँ क्योंकि मेरा समय अलाउ नहीं कर रहा है, और वो बैच होती है जो तुम्हारे लिए हो सकती है, बाकी इस बैच में तो नहीं वो है। तुम कल सर को कॉल करना, मैं एक सोल्यूशन तुमको दे सकता हूँ, ठीक है? अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, एक पर्सनल सोल्यूशन दे दूंगा तुमको क्या करो, क्योंकि तुम्हें जरूरत नहीं है उसकी बेसिकली, ठीक है? ठीक है सर, तो थैंक यू कल, सर। ओके जी, कल याद करके कॉल करना, मुझे याद दिला देना सर आपने बोला था, ठीक है? ठीक है सर। सर मैं कितने बजे जी कॉल करूँ सर, इस पे? तो मुझे चाहे ये जब, जानना 9 बजे के बाद चाहे जब, था ठीक है? कि ठीक अभी मेरे क्वेश्चन है गोपाल, बस थोड़ा सा समझाइए इनका, सर, मुझे ये मैं बोलूँ क्या जानना था। गोपाल बस थोड़ा सा समय दीजिए, प्रदीप का हो जाए, बहुत देर से परेशान है। इसके बाद आपका, और ये क्या बोलते हैं नवन कौर का जी का भी क्वेश्चन लेते हैं, बस थोड़ा सा इनका आदित्य का क्लियर हो जाए, बहुत देर से। हाँ जी आदित्य, प्रदीप बोलिए। सर मुझे रैबिट आता है, हाँ ई टैब भी आता यार, आपका नेटवर्क नहीं सही है है दोस्त। मुझे। सर मुझे ना रैबिट, ई टैब और नेटवर्क नहीं तो सही डी है आई में क्या? भी चाहिए क्या, और कोई सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए क्या मुझे? नहीं, सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है आपको, आपको तैयारी की जरूरत है, सॉफ्टवेयर आपका पर्याप्त है। सपोर्टर सर कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं क्या तैयारी करना चाहिए मुझे, तैयारी कौन कैसा? सी, आप पहले फिक्स करिए मुझे जाना किधर है, बीआईएम में जाना है कि स्ट्रक्चर में जाना है, ठीक है? दोनों अलग करिए, ठीक है? उसके बाद क्या सर बोलते बीआईएम हैं, में मुझे जाना है। बीआईएम में जाना है, तो बीआईएम के लिए आपका रेबिट में एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो होना चाहिए, सबसे पहली चीज वो, ठीक है? आपका एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो, स्ट्रांग रिज्यूमे, स्ट्रांग कवर लेटर होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहली चीज वो कर लीजिए। उसके बाद कुछ बीआईएम के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप जाके देखिए कि कंपनी सभी क्या क्या पूछ रही है, उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे बीईपी है, मैंने वीडियो बनाया है, कोई मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पूरा वीडियो मैंने बनाया है कि व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीआईएम इंटरव्यू, सारा वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, जस्ट देख लीजिए, बस वही उतना टॉपिक तैयार कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि देखने के बाद सामने वाला चुप हो जाए, ठीक है? उस पर ध्यान दीजिए। तो सर मुझे टेकला और ये नेबिक जो आप सॉफ्टवेयर तो बोल रहे आपकी थे, एंट्री रैबिट से हो जाएगी, वो है जिसको एमएनसी वगैरह का इंटरव्यू क्रैक करना है, उनको उसकी जरूरत पड़ती है, नेविसवर की, टेकला की, रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर, रैबिट एमईपी, क्योंकि एमएनसी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है, पैकेज देंगे ना आपको, पैसे दे रहे हैं उनके लिए है, एंट्री करने के लिए जरूरत नहीं है, एंट्री आप रैबिट से भी कर सकते हो, समझ गए? ओके एंड सर। ओके जी, एंड नवन कौर, सॉरी मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप प्लीज बोल हेलो दीजिए, सर। अपना नाम बताइए ओके पहले, हाँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मेरा नाम नवांकुर मल्लिक है सर, मैं वेस्ट ओके बंगाल से हूँ। ओके मलिक, हाँ सर, मैं 2021 में पास आउट हूँ। हाँ तो सर लॉकडाउन में पास आउट हुआ था, कॉलेज में अपना कैंपस ही कुछ नहीं हुआ था सर। तो ओके ओके, उसके बाद बाहर में एक मार्केटिंग कंपनी से जॉब मिल गया था, भारतीय एयरटेल में। हाँ तो हाँ कुछ दिन वहाँ पे जॉब किया था, उसके हाँ बाद सर बाजूस में कुछ महीने जॉब किया था सर। हाँ बट हाँ जब जॉब कर रहा था तो उसमें मुझे लग रहा था ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उस टाइम में एक्सप्लोर ही कर रहा था, फ्रेशर ही था सर। हाँ हाँ तो मुझे लगा मेरा ट्रेड ही अच्छा था, लेकिन आपको पता ही है हम लोग का ट्रेड में क्या होता है, क्योंकि हम मेरा जितने भी दोस्त है सभी को देख रहा हूँ 5-6 साल से काम कर रहा है, कुछ ग्रो नहीं हो रहा है। उसमें से किसी को और जानते हो जो बीआईएम में काम कर रहा है, ऐसे किसी को जानते हो? नहीं सर वही बोल रहा हूँ सर, बीम में मेरा इंटरेस्ट बहुत पहले से ही है, ठीक है। हाँ लेकिन क्या हुआ था सर, मतलब ज्यादातर कंपनी मतलब जोश दिखा रहा है भीम, बहुत ज्यादा प्राइस मतलब मांग रहे थे, तो इसलिए मैं सीख नहीं पाया, ठीक देखो, है सर। प्राइस दिखाने का रीजन क्या होता है मलिक, कि अगर प्राइस ही आंसर है तो मैं बता दूं कि देखो देखो, जब हम लोग ऑफलाइन करते हैं ना तो हमारे चार्जेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि मैं अगर ऑफलाइन ऑफलाइन, नहीं सर, वो ऑनलाइन ही बोल रहा हूँ सर, ऑनलाइन था और वो मेरा बीटेक मतलब जितने से किया हूँ उतना पैसा मांग रहा था। तो अच्छा, अभी तो मतलब नहीं वो पॉसिबल है मुश्किल होता है ना सर वही। सब, तो देखो इसके बाद मैं सर बहुत लिंक्डइन में बहुत सीनियर इंजीनियर जो बीम का है और हाँ एचआर है उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था, तो हाँ हाँ सभी सर एक्सपीरियंस ही मांगते हैं सर। ये बहुत दिक्कत है, मतलब यही सोच रहे हो मतलब ये सीख लिया, स्किल भी सीख लिया, आप जैसे बोल रहे 80% अटेंडेंस सब कुछ कर लिया, क्योंकि सर मैं 1 साल से मतलब 1 से 2 साल से जॉबलेस हूँ सर, मतलब करेक्ट। बहुत दिक्कत ही चल रहा है सर मेरा। तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ सर, क्योंकि ये देखो सीखना मतलब मेरा प्लान ही था, लेकिन अभी देखो मार्केट में फ्रेशर्स को मतलब वैल्यू ही नहीं देता, मतलब इंटरव्यू ही नहीं लेते सर, शॉर्टलिस्ट ही उसका नहीं लेते। उसका मेथड बताता हूँ, ठीक है? समझ गया मैं तुम्हारा क्वेश्चन, एकदम प्रॉपर सही बोल रहे हो, एकदम परफेक्ट आंसर है तुम्हारा। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि जो एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ ही, जैसे कि अगर मैं भी रख सकता हूँ अगर मेरे पास,
8-10 मार्केटिंग के लोग हो, जहां देखो वहां मैं ऐड लगाऊं, मेरे ऐसे कोई खर्च नहीं है, बेसिकली मैं खुद ही क्लास ले रहा हूँ, है ना। तो पहली बात तो ये कि कॉस्ट क्यों, जब कोई भी ऐसे मार्केटिंग वाली चीज करनी होती है तो कॉस्ट बढ़ जाती है किसी भी चीज की, बट यार एक चीजों की जेन्युइन फी होनी चाहिए किसी भी चीज की। मुझे तो मेरी भी फी ज्यादा लगती है, बिलीव करो, ठीक है, सबसे कम है बट सबसे ज्यादा मुझे लगती है, इतना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपने इसमें हाँ, और ऑफलाइन में खर्चे होते हैं, मैंने देखा ऑफलाइन में लगभग 60,000 जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन में ओनली 20,000 में मैं सब तैयारी करा रहा हूँ आपको, पूरी इंटरव्यू की तैयारी, पूरे सॉफ्ट स्किल्स की तैयारी, सब कुछ, और बहुत आराम से हो जा रहा है। इवन मुझे भी बहुत ज्यादा पर्याप्त बच जाता है, ऐसा कुछ नहीं कम बचता है, पर्याप्त है वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है बड़ा सा कि हर जगह यूट्यूब पे भी ऐड लगाना है, यहाँ भी ऐड लगाना है, तरह तरह की चीजें हो सकती है। तो पहला आंसर तो ये कि आपको बिलीव करिए, मैं अभी अपने मुंह से अपनी बड़ाई करूँ अच्छा नहीं लग रहा है, बट आप किसी भी एमएनसी का नाम सर्च करिए लिंक्डइन पर, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ उस एमएनसी में कम से कम, बीम और स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, कम से कम 4 से 5 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि यूनिक सिविल से मेरे से खुद पढ़े हुए हैं, और किसी भी कंपनी का नाम आप बताइए, मैं लिंक्डइन पर सर्च कर दूंगा कि देखो इतने लोग हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ शायद ही इतना कोई रिसर्च करता होगा। मैं दिन भर रिसर्च करता हूँ कि स्ट्रक्चर्स की कंपनी में आप क्या पूछ रहे हैं, नया क्या पूछ रहे हैं, बीम की कंपनी में नया क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें, पहली बात तो आपकी नॉमिनल फी में ट्रेनिंग हो जाएगी। उसका रीजन यही है कि मैंने स्टार्ट ही जो किया था वो साइट इंजीनियर्स के लिए किया था गाइस, मुझे ऐसा लगता था कि वो अपनी सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा अगर बचा लें तो इतना सीख जाए कि बीएमए की एंट्री हो जाए, इस एम से मैंने क्लास स्टार्ट किया था, और वो एम अभी भी लेके मैं चल रहा हूँ। लोगों ने समझाया कि लोग प्राइस से वैल्यू जज करने लगते, मैं कहा करने दो, जो जेन्युइन होंगे वो सीखेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, आपका जो आंसर क्वेश्चन था कि फ्रेशर्स की एंट्री नहीं होती, बेसिकली एकदम सही बोल रहे हैं आप, इसीलिए मैं आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप लेटर देता हूँ। क्यों 6 मंथ? क्योंकि 1.5 घंटे आप लाइव भी करते हो, 1.5 घंटे रिकॉर्डिंग भी करते हो, इस बिहार पर 6 मंथ का इंटर्नशिप लेटर जो होता है ये आपके फ्रेशर के टैग को काट देता है, समझ गए, वहां पर आप फ्रेशर नहीं हो पाते हो। और अच्छी बात क्या होती है कि जिस लेवल का मैं आपको पोर्टफोलियो बनवा देता हूँ, उस लेवल का पोर्टफोलियो देखने के बाद कोई भी आपको फ्रेशर का टैग तो दे ही नहीं सकता है, मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा क्यों? सर, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट होता है कि लाइव प्रोजेक्ट आप लाइव कराते प्रोजेक्ट, हैं सारे के सर? सारे लाइव प्रोजेक्ट, ये सबसे बड़ी खासियत है। तो आप बहुत निश्चिंत होके किसी को बोल सकते हैं 6 मंथ मैंने सर के अंडर में गाइडेंस में क्लास लिया हुआ है और प्रॉपर ट्रेनिंग किया हुआ है। और अच्छी बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि आप किसी भी कंपनी में अगर मेरा नाम सिर्फ बताएंगे कि यूनिक सिविल से मैंने सर से सीखा हुआ है, आकाश सर से, तो आपको बताएंगे कि हाँ मैं उनके वीडियो देखता हूँ, वो सभी जानते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या बोलते हैं, वही होती है कि मुझे अपने से अपने मैं यूट्यूब पे आके चीजें बोलूँ मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, बट आप किसी भी कंपनी में जाएंगे बताएंगे सर से सीखा हुआ है, वो जानते हैं मैं किस लेवल की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, इंटरव्यू में प्रूफ आप ही को करना पड़ेगा, आप कोई वो भी तो इन्वेस्टर डेफिनेटली हो, सर, हाँ लेकिन उसमें, मेरा क्वेश्चन यही है, मतलब एटलीस्ट हाँ खुद को प्रूफ करने से पहले आपको जंग में तो उतरना पड़ेगा ना, अगर वो उतरने ही नहीं देगा तो मैं मतलब हर वही हफ्ते दिक्कत है, उतारता हूँ, मैं हर हफ्ते हर मंडे को वही मॉक नहीं हर इंटरव्यू, बार। जब हर क्योंकि मंडे सर को इस मॉक, वजह से मैं इसके पहले भी एक ट्रेनिंग किया था, वो मतलब सिविल का ही था, हाँ, लेकिन मतलब बीम में नहीं था, मतलब वो क्वांटिटी सर्वे बीबीएस वो सब कर रहा था, क्योंकि मेरा गैप हो रहा था, तो सर इंटर्नशिप होगा तो जॉब मिल सकता है ये सोच के करेक्ट, गया था सर, तो नहीं उसमें भी कंपनी में जॉब मिल गया था सर, करेक्ट, लेकिन वो भी फर्जी टाइप का मतलब निकले, तो सर साइड में इतना कुछ है, इसलिए मुझे लगता है मुझे मैंने ऑफिशियल जॉब और बीम के लिए मेरे मतलब देखो क्या जाने होता है, में ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरा ये मानना है कि आज के टाइम में नॉलेज जो है ना, नॉलेज पर्याप्त मात्रा में आपको YouTube से मिल सकता है। ऐसा मैं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जहाँ फंसा करो YouTube भी देख लो, होंगे मेरे ही वीडियो होंगे, किसी और के वीडियो होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन होती है तैयारी, तैयारी मतलब इंटरव्यू की तैयारी, है ना, कैसे वहां पर क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या वहां पर हमें रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। इसीलिए मैं वीक में 1 डे पूरा का पूरा मैं सिर्फ मॉक इंटरव्यू रखता हूँ, जिससे आपकी पूरी हेजिटेशन खत्म हो जाए और सारी तैयारी हो जाए आपकी, यही एम होता है उस ट्रेनिंग का, समझ गए। अच्छा सर, नया तो बैच कब जब से स्टार्ट होगा? 30 नवंबर से स्टार्ट है। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर एक लोग का लेना भूल गया था, भूल नहीं गया था, मैंने बोला भी लेता हूँ किसका क्वेश्चन था वो, ठीक है, यहाँ पर यार मैंने किसी का क्वेश्चन स्किप कर दिया था बीच में, अपने से ही किसी ने पूछा था, मैंने बोला कि मैं नेक्स्ट पूछता हूँ, श्रवण गोविंद का था, गोविंद आपका था ना, सुजीत, बस नेक्स्ट, इसके बाद आप हैंड रेज कर लें प्लीज। गोविंद आपका क्वेश्चन था क्या, आपने पूछा था, मैंने बीच में बोला कि रुक जाइए गोविंद, ऐसा करके, ठीक है सुजीत आप पूछ लीजिए तब तक। सुजीत आप हाँ पूछ लीजिए, सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी।
मुझे आगे जाके खुद का कुछ करना है तो स्ट्रक्चर बेटर या बीम बेटर है? स्ट्रक्चर और सर एमटेक करना जरूरी है स्ट्रक्चर में? नहीं, एमटेक करना जरूरी नहीं है, नॉलेज रखना जरूरी है, ठीक है, नॉलेज रखना जरूरी है। और अगर आप खुद का काम करना चाहते हैं तो आपके लिए स्ट्रक्चर्स पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, बीम करना है बाद में, और जॉब करना है तो आपके लिए बीम पहले होना चाहिए, स्ट्रक्चर बाद में, ये इसका कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ठीक है। ओके जी, एंड अभी क्वेश्चन यहाँ पर इस ग्रुप में था, उज्ज्वल जी कुछ पूछ रहे हैं। अच्छा, लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन, लैपटॉप में अगर आपका 8 GB रैम है और 4 GB ग्राफिक्स कार्ड है तो लैपटॉप सफिशियंट है, कोई भी हो, पैसे मत डालो, जो लैपटॉप है उससे काम चलाओ, जॉब ले लो तो आप बहुत अच्छा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में 4 GB रैम और क्या बोलते हैं, सॉरी 8 GB रैम, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड से काम चला लो। कोई नया ले रहा है तो मैं बोलूंगा 16 GB रैम कर देना, पुराना है तो जो है उसी में काम चलाओ, अपने घर वालों को ज्यादा परेशान मत करो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इंजीनियरिंग में बहुत परेशान करते हैं गाइस। यस यू एम प्लीज यू कैन बी आस्क, फिर उसके बाद मैं क्या बोलते हैं इनका क्वेश्चन बोल से तौसीफ कर लेता हूँ। यस यू बोलिए, शिवम चक्रवर्ती पूछिए जी। शिवम, सिर्फ घरघराहट आ रही है, आवाज नहीं आ रही यार, आप सब कुछ स्टूडेंट डिस्कस। ओके तौसीफ, बस थोड़ी देर में आपका भी क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि तौसीफ का ही क्वेश्चन लेना चाहिए क्या। तौसीफ अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर अभिजीत का क्वेश्चन लेते हैं। सीओ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही हेलो, गुड है। इवनिंग हेलो, सर। गुड इवनिंग जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। सो मेरा क्वेश्चन ये है सर, एट प्रेजेंट मैं जॉब कर रहा हूँ हैदराबाद में। सो आई वाज अ डिज़ाइन इंजीनियर इन द पीईबी फील्ड। ओके सो एक्चुअली आई वाज अ बिट कंफ्यूज अबाउट द बीआईएम एंड द स्ट्रक्चर पार्ट सर। सो मेरे को क्या है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं मिल रहा है कि मैं स्ट्रक्चर में ही रह के अपना करियर बिल्ड करूं या बीआईएम को चूज करूं, क्योंकि बीआईएम का थोड़ा हाइप चल रहा कि बीआईएम में इजी टू जॉब्स है एंड पैकेजेस भी थोड़ा हाई है स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर में। देखो, ये मेरा एक मानना है फर्स्ट कि क्वेश्चन था सर। अच्छा, पर इसके एक एक करके आंसर हो तो मैंने भूल जाऊंगा मैं भी, है ना, इसका जी, आंसर बोलिए देना, सर, ठीक है। तो इसमें बोलिए। देखो कैसा होता है तौसीफ, कि कैसे कभी भी किसी हाइप पे नहीं पड़ना चाहिए, सबसे बड़ी चीज तो ये, ठीक है। व्यायाम अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है, लेकिन इस हाइप से कि सब बोल रहे हैं मैं भी कूद जाऊँ, नहीं कूदूंगा भाई, नहीं कूदना मुझे, ठीक है, हाँ, तो ये मैटर नहीं करता। अच्छा, हाँ, व्यायाम बेसिकली एज ए एक्सपर्ट मैं बोलूँ तो व्यायाम बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन किसी के मार्केटिंग की वजह से जाऊँ ये भी अच्छी बात नहीं है। इसमें होना चाहिए हमारा इंटरेस्ट, समझ गए, पहले आपका अगर उस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपकी मॉडलिंग में, मैनेजिंग में, आपकी क्या बोलते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें जाओ, अदरवाइज इज नॉट कंपलसरी। आप स्ट्रक्चर में ही, अभी आप तो पीवी के बारे में क्यों जान रहे हो, पीवी ही कितना बड़ा है, आपको पीवी अभी आइडिया लग ही गया होगा, उसमें अभी मैं पीवी बताऊं तो एंड नहीं हुआ है, ठीक है, पीवी बहुत बड़ा है, ठीक है, उसमें आपका एयरक्राफ्ट हैंगर्स के डिजाइनिंग है, मेट्रो की डिजाइनिंग है, आपके क्या बोलते हैं, आप मान लीजिए कि वेयर हाउस वगैरह कर ही रहे होंगे, राइट, तो इसी में बहुत कुछ है, तो पहले आप इसको इंड कर लीजिए। व्यायाम हाइप की वजह से नहीं, इंटरेस्ट जब आए तो आप बैकग्राउंड में उसको साथ में सीख लीजिए, एक स्किल है वो, उसको सीखना चाहिए। मैंने अभी इस समय मैं प्रीकास्ट सीख रहा हूँ, तो मैंने लॉकडाउन में पीईवी सीखा है, उसके पहले मुझे पीईवी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लॉकडाउन में मुझे एक प्रोजेक्ट आया, वहां से मैंने सीखना स्टार्ट किया पीईवी, इंटरेस्ट आने लगा, बहुत कुछ सीखा। तो बेसिकली क्या होता है तौसीफ, एक बैकग्राउंड बैकअप रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो बैकअप हाइप की वजह से नहीं, मेरे इंटरेस्ट की वजह से होना चाहिए, समझ नहीं, गए। हाइप इन द सेंस सर, मेरा एक वर्ड गलत था नहीं शायद, नहीं गलत नहीं सॉरी था, फॉर और दैट एक्चुअली वर्ड। सही वो सही भी क्योंकि है। हाइप नहीं, हाँ मेरे को क्या है सर, इंटरेस्ट बीआईएम में भी है, क्योंकि हाँ मैं अब प्रेजेंटली स्ट्रक्चर पे ही फोकस करूं या बीआईएम पे फोकस करूं, ये दोनों में मैं बिट कंफ्यूज हूं। देखो, क्या उससे होता है कि आपके हिसाब से मेरे हाँ, को बेस्ट सजेशन क्या रहेगा सर, ये मेरा कौन सजेशन सा ये फील्ड रहेगा चूज कि करूं? आप फील्ड जो है आपका एंड सेफ है। मेरा एम सर गल्फ में जाने का है, ओके, ठीक है, देखिए, ठीक है। गल्फ हाँ, एज कम्पेयर टू दिस। गल्फ में अगर जाना है तब तो व्यायाम भी करना चाहिए आपको, ठीक है, गल्फ में आपको व्यायाम करना चाहिए, वहां पर आपको व्यायाम में ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए कैसे होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत मॉडर्न होता है ना, तो उनको होता है कि पहले सारी चीज मुझे पहले से ही देखना है, और जहां पर भी पहली सबसे चीज, जो लोग व्यायाम के बारे में नहीं जानते हो, मैं एक आसान वर्ड में बोल दूं व्यायाम के बारे में, व्यायाम इज ऑल अबाउट वॉट एवर गोइंग टू बी कंस्ट्रक्ट दैट एवरीथिंग आई जस्ट वॉन्ट टू सी हाँ, टूडे, दैट इज कॉल्ड व्यायाम, यस,
ठीक है। हाँ तो ये एक्सैक्टली चीज के लिए आप व्यायाम में, अगर आप गल्फ में जाने का आपका प्लान है या फिर यूएस में जाना है या जी फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो व्यायाम बेस्ट चीज रहेगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन आप अपनी जॉब को मत स्किप करिए, जॉब के साथ सीखिए इसको, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर, अच्छा जी जी सर ठीक है, तो ये सर क्लियर हो ये गया सर। गल्फ में कौन बताइए, से जो भी है गल्फ में कहाँ पे BIM का ज्यादा मैं आपको ये है बताऊं कि मतलब इसका जो रिसर्च है, वैकेंसीज क्योंकि हम तो सारा जी रिसर्च करते रहते हैं, बताए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो सैलरी है वो यूएई में है। BIM में बात कर रहा हूँ, ठीक BIM है, के BIM में बात कर रहा हूँ। जी BIM में आप देखेंगे, सर्च करिएगा, मैं तो रिसर्च कर चुका, पूरा पढ़ चुका हूँ सबके बारे में। तो वन जी पॉइंट टू मतलब 1.2 CR पैकेज है बी मैनेजर का, 1.2 हर कंट्री से ज्यादा, समझ गए। तो आप समझ जाइए कि यूएई सबसे अच्छा है सैलरी वाइज, स्पेशली आई एम टॉकिंग बीआईएम में। हो सकता है और इंडस्ट्री का नहीं पता हो मुझे, है ना, जो मुझे मेरे इंडस्ट्री का पता है, तो उसके लिए आप टेंशन ओके मत सर लीजिए। ओके जी, ओके सर एज कंपेयर टू तो बाहर के लिए BIM ठीक है बीआईएम बेटर स्ट्रक्चर्स है। के बेसिस यस पे यस सर इंडिया यस में इंडिया इंडिया में के अभी लिए पीईबी बहुत बढ़ने वाला है। पीईबी अभी सही तरीके से अप्लाई कहाँ हो पा रहा है, ठीक है। पीईबी जी को कैसे, कि पीईबी का लैक ऑफ नॉलेज भी है ना लोगों को, है ना। अभी पीईबी की बिल्डिंगें तो देख रहे हो आप, केवल बड़े शहरों में बन रहे हैं, छोटे शहर में तो पता ही नहीं कि पीईबी की बिल्डिंग बन सकती है। तो पीईबी जी तो अभी इंडिया सर में पर्याप्त मात्रा में रहने वाला है, कम से कम 10-15 साल तो भर भर के रहेगा, ठीक है। तो अगर आप गल्फ में जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर एक बैकअप के तौर पर रखना चाहते हैं, कि बैकअप रखना चाहिए हर किसी को, मैं अपने बीआईएम वाले सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप बीआईएम में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आपकी जॉब लगनी फिक्स है, बट एक 2-4 महीने बाद, 10 महीने बाद, जब आपके पास लगे कि समय है, तो स्ट्रक्चर्स का नॉलेज बैकग्राउंड में रखे रहो, ठीक है, उसका बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म में। सर ये BIM करने से M.Tech करने का कुछ भी ऐसा मात्र डिफरेंस तो नहीं है ना एमटेक का सर कि कोई सेंस M.Tech नहीं है, हमने किया है तो क्यों BIM को जाना BIM लाइक इज अ डिप्लोमा पर्सन भी कर ले नहीं सकता एक नहीं ऐसा माइंडसेट है सर उसमें उसका बीआईएम एक में आपको अलग अलग प्रोफाइल्स हैं एक्चुअली। जो जी हमें पता होता है बीआईएम में, बीआईएम मॉड्यूलर पता होता है ना, डेफिनेटली मॉड्यूलर जो होता जी है वो डिप्लोमा लेवल का होता है, ठीक है। लेकिन बीआईएम में उसके आगे प्रोफाइल है, जैसे कि बीम कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, बीम स्पेशलिस्ट है, बीम लीड है, बीम मैनेजर है, तो ये बड़ी प्रोफाइल्स हैं। तो इसमें आपका ये जो क्या बोलते हैं मास्टर से छिप जाएगा आराम जी से, ठीक है। तो छोटी प्रोफाइल में फ्रेंडली, सॉरी सॉरी सी बात है, आप अगर आपने पीएचडी किया और ड्राफ्टमैन है तो क्वेश्चन मार्क नहीं बन गया, समझ गए। तो ऐसा होता है, बट बड़े प्रोफाइल के लिए नहीं होता वही सर बेसिकली, ठीक है। जी ओके ओके अब मुझे करना रहा BIM में मिनट बीएम में करना रहा तो क्या, सॉरी पे कोशिश आवाज करो कट बोल के आप सजेस्ट कर सकते सर आवाज कट गई बीएम में, तो सॉरी। BIM में अगर मुझे कोई भी अब आ रही है सर हाँ आ रही, BIM में मुझे कोर्स अगर करने के लिए तो कौन से बोले कोऑर्डिनेट लीड एग्जांपल तो नहीं किसी देखिए, किस तरह से चूज करना चाहिए जब वो हम लोग, जो हम लोग कोर्स ट्रेनिंग, में देखो कैसे होता है, किसी भी चीज को ना बेसिक से ही सीखना पड़ेगा। आप बीम लीड या बीम कोऑर्डिनेटर तभी बन सकते हैं जब आप बीम मॉडलर अच्छे रहेंगे, समझ गए। तो जिसको मॉडलिंग ही ओके नहीं मैं पता समझ है, रहा था कि ये कुछ अलग अलग चीज है सर नहीं, जब हम लोग ट्रेनिंग कराते ये हैं ना, सब तो एक ही है आपको, ओके हाँ, जब आप ट्रेनिंग ओके कराते हैं तो हम बीम कोऑर्डिनेटर तक की ट्रेनिंग कराते हैं। ऐसा नहीं कि आप रोज तो ट्रेनिंग करोगे, नहीं, तो हम आपको बीम ओके कोऑर्डिनेटर तक की चीजें बताते हैं, ठीक है। ओके ओके जी, अभिजीत जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ओके जी अभिजीत, थैंक ओके अभिजीत, अपना क्वेश्चन पूछ ले प्लीज। यू गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी, सर सर मैंने एक्चुअली 6 साल साइट इंजीनियरिंग जॉब किया है। मैं खुद हाँ कॉन्ट्रैक्टरशिप करता हूँ, हाँ पर सर ड्यू टू रिसेशन मैं अभी कॉन्ट्रैक्टरशिप बंद करके स्विच करना चाहता हूँ जॉब्स के रिगार्डिंग, या फिर स्ट्रक्चर बेटर रहेगा कि BIM बेटर रहेगा मुझे, ये क्वेश्चन पहला था। जॉब के लिए, राइट। सर ओके हाँ, दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए, बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि मेरा एक्चुअली टुवर्ड्स द मुझे स्ट्रक्चर थोड़ा पसंद है, पर BIM मेरे लिए बेटर रहेगा ऐसे सबने मुझे सजेशन किया, तो आपका क्या कहना है सर, क्या बेटर रहेगा मेरे लिए। देखिए, पहली बात तो अगर आपका स्ट्रक्चर्स में स्ट्रेंथ, मतलब कि आपको लग रहा है कि पसंद है मुझे ना, तो पसंद आप किस किस बेस से कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट से आपको अच्छे लगते हैं। एक्चुअली हाँ सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, और मुझे थोड़ा ई टाइप्स का बेसिक्स पता है। हाँ जैसे मैंने मतलब जॉब करते करते, या फिर मैंने खुद कॉन्ट्रैक्टरशिप करते करते मैंने थोड़ा नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश की, तो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे प्रोसेस है, मैंने थोड़ा बहुत एक करेक्ट 1G+1 प्रोजेक्ट करके देखा है उसमें, अपनी करेक्ट तरफ से, अपनी ऐसे हाँ ऑनलाइन देख के।
गॉट इट। देखिए क्या होता है अभिजीत कि जब हम किसी चीज का इंटरेस्ट जिसमें होता है ना हमारा, उसमें हम हमेशा अच्छा करते हैं, ठीक है। तो किसी के कहने से या फिर मेरे भी कहने से आप व्यायाम मत करिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी जस्ट अभी बताया ना आपके सामने ही, इन्होंने बोला कि मुझे हाइप चल रहा है व्यायाम का, मैं व्यायाम कर लूँ क्या? क्यों कर लूँ? मेरा जो इंटरेस्ट है वो जब बोलेगा तब मैं करूंगा उसको। अगर आपका इंटरेस्ट स्ट्रक्चर्स में है, बिलीव करिए जिस बिल्डिंग का भी मॉडल होना है, क्या उस बिल्डिंग का एनालिसिस नहीं होगा? नहीं होगा सर, बट एक ऑप्शन ऐसा है कि मेरे 6 साल का जो एक्सपीरियंस है वो स्ट्रक्चर में काउंट किया जाएगा। बिल्कुल काउंट किया जाएगा। वो आपका प्रोफाइल क्या था उसे बताइए। मैं एज अ सेल्फ कॉन्ट्रेक्टरशिप करता हूँ सर अभी फिलहाल। सेल्फ कॉन्ट्रैक्टर थे ना, राइट। उसको थोड़ा सा हाँ रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस काउंट होगा। हाँ कैसे रोटेट करेंगे पता है? उसको आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते थे उसको आप बताइए कि मैं एक्स वाई जेड पर्सन की कंपनी में काम करता था। हो सकता हो आपके पिताजी की कंपनी हो, आपके भाई की कंपनी हो, समझ रहे हैं, उस कंपनी में मैं काम करता था फ्रॉम दिस प्रोफाइल। ऐसा करके शो करेंगे तो आपका पूरा एक्सपीरियंस अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर, ठीक, ऐसे करेंगे, थैंक ठीक यू है। ओके जी, अब सर। गैस कुछ लोग के चैट बॉक्स वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं हैंड रेज वाले जो क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर गैस बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आशीष जी हैं। आशीष बोल रहे हैं कि सर मैं आई एम इन थर्ड ईयर, ओके, आई हैव सफिशियंट लर्न नॉलेज ऑफ स्टैटफोर्ड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग करियर, सर आई हैव टू लर्न ईटीएस एंड। यस आशीष, आपको डेफिनेटली 100% आप डिग्री कर रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर्स में ही लर्निंग लेना चाहिए या स्ट्रक्चर्स के ही सॉफ्टवेयर भी सीखना चाहिए, क्योंकि वो आपके कॉलेज में भी काम देंगे और साथ ही साथ उसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम में भी बहुत काम देंगे। तो आप पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर्स गुरुकुल है उसके बारे में आप सर से पूछ लीजिए, अंकित सर से नंबर यहाँ दिया हुआ है, तो उसी में आपका बेस्ट रहेगा, ठीक है। विशाल पूछ रहे हैं कि सर हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं यूएस यूके, प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड कैसे काम करें, ठीक है। ऑलरेडी विशाल, जो हम लोग स्कैन टू बीम का प्रोजेक्ट कराते हैं, अगर बीएम की बात कर रहे हैं तो उसमें सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग यूएस और यूके के ही कराते हैं, ठीक है। और जो कैट टू बीएम होता है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो होता है आपका इंडिया का, जो मेरा खुद का लाइव प्रोजेक्ट आपके सामने रहता है, ठीक है, तो उसका भी टेंशन नहीं है। एंड एक क्वेश्चन गैस यहाँ पर आया है, उज्ज्वल जी का लैपटॉप बता दिया, और एक क्वेश्चन शिवम का भी सीख लेते हैं अभी। इसके बाद यहाँ पर सुमिल पूछ रहे हैं कि सर व्यायाम में पायथन का यूज हो सकता है, आई हैव अ नॉलेज ऑफ रिवोट एंड नेविस पायथन, तो प्लीज आंसर में। पूरा तो नहीं समझ पाया सुमिल, बट सुजीत का माइक ऑन। अच्छा सुजीत, थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज, हैंड रेस्ट कर लीजिए। एंड क्या बोलते हैं यहाँ पर इनका जो क्वेश्चन है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, पूरा तो क्लियर नहीं है समझ आ रहा क्वेश्चन, तो पाइथन का जो नॉलेज काम होता है गाइस, वो डायनमो की जो स्क्रिप्टिंग होती है उसमें हेल्प मिलता है। तो अगर आपको आता है तो बीआई में एड्स ऑन मिलेगा, बट एज अ फ्रेशर आपको जरूरत नहीं है, जब 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपको उसकी जरूरत है सुमिल। और रोहित का क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन है कि मैं डिप्लोमा के बाद बीआई में जॉब कर सकता हूँ या बीटेक नेसेसरी है? डिप्लोमा के बाद आप 100% बीआई में जॉब पास कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बट बीटेक कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलेगा रोहित राहुल, और क्या बोलते हैं, बट आप डेफिनेटली बीएम के डिप्लोमा के बाद सबसे अच्छी प्रोफाइल कोई है तो बीम की प्रोफाइल है, ठीक है जी, तो 100% कर सकते हैं। अजीम का क्वेश्चन है कि सर स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए गुरुकुल में कैसे कोर्स है जिसमें आप आरसीसी स्टील, ओके, स्टील का स्टील गुरुकुल का एक मतलब पीवी गुरुकुल अजीम अलग से चलता है, जिसका बैच अभी 7 फरवरी में आ सकता है, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो पीवी गुरुकुल पूरा अलग होता है, क्योंकि स्टील का कॉन्सेप्ट भी पूरे अलग होते हैं, ठीक है। तो उसे आरसीसी से मिक्स करना एक अपने आप में बेवकूफी होगी, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट करते हैं ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है। तो बेटर है कि आप उसको अलग से करिएगा, थोड़ा सा वेट करिए, आ जाएगा। अगर आपको वीडियो फॉर्म में चाहिए तो ऑलरेडी मैंने यूनिक्सिविल ऐप पर डाल दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है इनका है कि क्या सुमिल जी का हो गया क्वेश्चन, ठीक है। एंड वर्किंग ड्यूरिंग द बीएम जॉब्स सिविल, ओके। शेख बोल रहे हैं कि सर व्हाट इज द टाइमिंग फॉर द बीम इंटर्नशिप? बीम के लिए 8:30 से 10 और स्ट्रक्चर्स के लिए 7 to 8:30 आपका टाइमिंग है शेख। एंड रजनीकांत, यार क्या बात है यार, बड़े बड़े एक्टर आए मेरे क्लास में, ठीक है, इतनी बड़ी मेरे सौभाग्य की बात मेरे लिए। तो सुजीत, सुजीत आपका कोई क्वेश्चन है कि आपका है, माइक ऑन हो रहा है, पूछ लीजिए अगर कुछ भी, बोलिए बोलिए। सर जो आप रिकॉर्ड और वीडियो देंगे हम लोग को, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा ना उसका? 5 ईयर, ओके 5 ईयर के ऊपर मेरा चार्ज बढ़ जाएगा, फिर आपका चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है, क्या होता है वो अमेजोन के वेब सर्वर पे सारी वीडियोस आपकी अपलोड होती है गाइस, तो जितनी ज्यादा जीबी स्टोरेज होगा और जितने ईयर के लिए होगा उसका एक पैकेज होता है। 5 ईयर से मैं एक भी दिन बढ़ा किया ना तो मेरा डबल चार्ज हो जाएगा, 10 ईयर का हो जाएगा चार्ज, और वो मेरे लिए नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है।
ओके एंड क्या बोलते हैं वर्किंग, ये ठीक है, वर्किंग ड्यूरिंग द बीएम जॉब सिविल की तरह तरह नहीं होता है ना सर, बिल्कुल सिविल की तरह होता है, मस्त 9 to 6 की जॉब होती है रजनीकांत, और आपकी मंडे टू फ्राइडे की जॉब होती है बीएम की, सबसे बेहतरीन एसी में बैठ के काम करना होता है। तो बीएम का जॉब जो है ये सबसे अच्छा है सिविल की स्ट्रीम में, जैसे स्ट्रक्चर्स का व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं ना, सेम व्हाइट कॉलर जॉब आपका बीएम का है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए उसका। और क्या बोलते हैं क्वेश्चन यहाँ पर गाइस ऋषिकेश का है कि सर मैंने बीटेक ग्रेजुएट, करंटली आई एम वर्किंग एज अ जीटी ओके कंस्ट्रक्शन कंपनी में, आई एम वर्किंग हियर, आई एम प्लानिंग टू ज्वाइन द एमटेक स्ट्रक्चर, सो बिल ओके बीम हेल्प मी फॉर माय करियर फॉर द स्ट्रक्चर। अगर आप एमटेक करना ही चाह रहे हो, वैसे तो कंपलसरी नहीं है ऋषिकेश, आपका डी बीटेक ही सफिशियंट है, अगर आप एमटेक करना चाह रहे हैं और अगर आप बीआईएम में करियर बनाना चाह रहे हैं, तो बेसिकली आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर कोई फॉरेन वगैरह जाने का चांस मिल रहा है आप लोगों को, तो फॉरेन में स्पेशली बीआईएम में मास्टर्स होता है गाइस, ठीक है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर रहे हैं, तो फॉरेन में भी बीआईएम का पूरा है, मास्टर्स ही बीआईएम का होता है, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर आप मास्टर करें तो ज्यादा बेनिफिट होगा। हाँ स्ट्रक्चर कंसल्टेंट बनना है तो आप स्ट्रक्चर में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कैन वी डू द रिमोट जॉब, यस बीआईएम में आप रिमोट जॉब कर सकते हैं 100%। और आशीष जी का क्वेश्चन आया है और इन्होंने हैंडेज भी किया है कि आशीष जी बोल रहे हैं सर करंटली आई एम इन थर्ड ईयर, ओके ओके इज सफिशियंट टू लर्न स्टैट फॉर स्ट्रक्चर, नहीं आपको इसमें क्या होता है आशीष, आप ना अभी कि आप कॉलेज से जस्ट शायद थर्ड ईयर मुझे आपने आप लिखा हुआ है, तो आपको केवल स्टैट फॉर नहीं, केवल ईटीएफ्स नहीं, उसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि शियर वॉल है, रिटेनिंग वॉल्स है, बेस ईयर है, मतलब सिस्मिक है, विंड है, इनका कॉन्सेप्ट, जीएल टू पीएल के डिस्टेंस क्या है, उनके अलग अलग कॉलम्स कौन कौन से कहाँ पर लगाने चाहिए, कॉलम के टाइप कौन कौन से हैं, उनकी मैनुअल कैलकुलेशन क्या होती है, ये सब कंप्लीट डिटेल में आपको ये ग्रुप, अंकिता कुछ लोग लेट में आए प्लीज आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ग्रुप का, वो तो गुड सिलेबस में दे देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा आशीष को। हाँ इवनिंग सर। गुड इवनिंग आशीष। सर मेरा क्वेश्चन हाँ इसलिए था क्योंकि हाँ मैं कुछ 6 महीने के बाद मैं इंटर्नशिप पे जाने वाला हूँ, तो इसमें कोई अच्छा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नो नो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलरेडी हमारे पास जो कॉलेज के बच्चे हैं वो इंटर्नशिप करते हैं ना, हमारा जो इंटर्नशिप लेटर है वो आपके कॉलेज में भी आप सबमिट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन देते हैं या फिर ऑफलाइन देते हैं? दोनों ही होता है ठीक है आपका, फिर। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चांस है आपके पास, ठीक है। ओके सर। ओके जी, एंड अमन मिश्रा जी बोल रहे हैं कि आई एम इन फोर्थ ईयर और सिविल इंजीनियरिंग, प्लीज गाइड मी और बिल्ड माई कैरियर। देखिए अमन, अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मॉडलिंग और मैनेजिंग स्किल आपकी अच्छी है, तो आपको बीआईएम में कैरियर बनाना चाहिए, बीआईएम में आप अच्छा कर सकते हैं, अभी से करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ लोग हैं मेरे सेप्टेम्बर बैच में बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर में हैं, और वो क्या मॉडलिंग करते हैं गाइस, मैं उनकी मॉडलिंग दिखाऊंगा क्या आप लोगों को, बड़ा मजा आएगा। तो क्या बोलते हैं, उन लोगों का देख के ऐसा लगता है कि यार उन्होंने फोर्थ ईयर में ही कितना अच्छा डिसीजन ले लिया है, अभी मेरा मेल नहीं खुला है बट मैं आपको दिखाऊंगा, तो क्या बोलते हैं कुल मिला के उनके मॉडल्स को आप देखो, देख के ना आपको एक आइडिया आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार अभी इनकी तो जॉब फिक्स है, मतलब फोर्थ ईयर में है और उनकी जॉब, मैं बोल रहा हूँ कि अभी से फिक्स है, मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ गाइस, ये सब अपने स्टूडेंट्स हैं जो डेली प्रोजेक्ट करके डेली प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, ठीक है, ये और बैचेस के भी है ना, मैं सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ। सुमक देखिए हमारे ओल्ड स्टूडेंट है, सुमक भी बीआईएम में काम कर रहे हैं, सुमक का तो अभी बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, अच्छी सैलरी भी ले रहे हैं, अब भी भूल गए हैं सर को, एंड प्रोजेक्ट नहीं मिले, अच्छा उनका उनका शायद जुलाई बैच है गाइस, कि मतलब हाँ जुलाई बैच सॉरी, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बना रहे हैं, मतलब आपको लगेगा कि कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग अभी आ रहे हैं, तो मैं आपको ये गिरीश हैं और गिरिंदर हैं, इनके आप प्रोजेक्ट्स को देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, मतलब नाम से डायरेक्ट करते हैं तुरंत आ जाएगा, ये लोग फाइनल ईयर में है गाइस, और इनके मैं प्रोजेक्ट दिखाता हूँ आपको, अभी जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप देखिए प्रोजेक्ट, ये आप इन्होंने मेजर प्रोजेक्ट बनाया, अपने गुरुकुल में एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है गाइस डिटेल में, ठीक है, तो आप इस प्रोजेक्ट को देखिए थोड़ा सा, अब इनको आप फ्रेशर किस लेवल पे बोल सकते हैं आप बताइएगा, ठीक है, इनके प्रोजेक्ट को देखिए आप, ठीक है, प्रोजेक्ट की डिटेल देखिए, पूरी रिपोर्ट इनको प्रेजेंट करना होता है अपने गुरुकुल के अंदर पूरा डिटेल में, ये इन्होंने बनाया हुआ है रेविट के ऊपर, पूरा बनाया, पूरी डिटेलिंग किया हुआ है पूरा का पूरा, अब वर्क देखिए आप, ये फ्रेशर है, फ्रेशर में भी फ्रेशर भी नहीं बोलेंगे, कॉलेज स्टूडेंट है ये, ठीक है, डायरेक्ट रेंडर दिखाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है, ये देखिए आप रेंडर में,
इनके प्रोजेक्ट्स, ये लर्निंग आपको मिल सकती है, वो मिल क्या सकती है, ऑलरेडी आप कर रहे हैं ठीक है अपने जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। ऐसे प्रोजेक्ट्स जब बनाएंगे आप, तो आपका अपने आप आशीष जो है सॉरी अमन, ये आपके लिए था कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। अभी इन्हीं का ये दो भाई हैं तो बड़ा अच्छा ही लोग काम करते हैं, तो ये मैं गिरिंदर का दिखाता हूँ। देखिए अचानक से याद आ गया अमन की वजह से, बाकी तो नहीं है। अभी इन्होंने देखिए प्रोजेक्ट बनाया, ये वाला प्रोजेक्ट देखिए कैपिटल हाइट वाला शायद, देखिए ये, हाँ ये कैपिटल हाइट है G+22 ठीक है। अब आप देखिए इन लोगों ने कितना मेहनत किया, और ये कॉलेज ये जैसे कंपनी में जाएंगे इनकी जॉब तो मैं ऐसे ही बोल चुका हूँ लग जाएगी तुरंत ठीक है। और तुरंत क्या, मैं तो खुद ही ऑफर कर दूँ अगर उनको करना रहेगा तो, कुल मिला के मैं अपने पास ही रख दूँ ठीक है। ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, फोर्थ ईयर में है, समझ गए अमन आपके लिए था ये, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ठीक है। ओके सर, और क्या हाँ क्या जी, कर सकते हैं मैं? इसमें और पूरा मतलब कि व्यायाम के अलावा आप बोल रहे हो हाँ सर, नहीं तो, कर, मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो हाँ इसलिए कुछ नहीं आपको सबसे पहले कर लीजिए, क्या कुछ नहीं आपको क्या करना बोलते हैं ऐप में डायरेक्ट जाके वहां से रजिस्ट्रेशन कर लेना यूनिक सिविल पड़ेगा ऐप में। बाकी ये सर को आप कॉल कर लीजिएगा, यहाँ पर नंबर है, क्या तो ये पूरा आपको लिंक वगैरह भेज देंगे, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा आप डायरेक्ट ठीक है। सर? जी तो आफ्टर सर मेरा ना इंटर्नशिप स्टार्ट बाद, इसलिए अच्छा मैं चाह रहा हूँ करने के लिए, इसीलिए ये तो मेरा हाँ, तो फिर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं, 1 मंथ के बाद कर लो ठीक है, 1 मंथ के बाद। आपका कोर्स स्टार्ट होने को होगा कि नहीं होगा आफ्टर 1 मंथ? हाँ, जनवरी में होगा अभी, अब नेक्स्ट जनवरी जनवरी, में है तो हाँ मतलब कि दिसंबर के लास्ट है, जनवरी में, जनवरी में जाना चाहिए जहाँ तक है, पूरा जनवरी सही में रहेगा। ठीक है। चले अब ओके सर से बात कर लो, हो सकता है इसी में तुम्हारा मैनेज हो जाए ठीक है। इसमें करे रहोगे तो इसमें चलता रहेगा, देन जनवरी में होगा तो फिर शिफ्ट कर लेना, ऐसा भी कर सकते हो थैंक ठीक है। यू सर। ओके जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, यहाँ पर क्या बोलते हैं इनका है सीओम जी, अभी आपका माइक चेक हो गया, और चेक कर पूछ लीजिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी, अब क्लियर है सर वॉइस? यस यस परफेक्ट आ रहा है, सर मेरा डाउट ये था सर, मैं अभी थर्ड ईयर सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, करेक्ट तो मतलब मेरे लिए अभी परस्यू करना सही रहेगा या फिर मेरा डिग्री कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं इसको कर सकता हूँ अभी व्यायाम आप, वगैरह? आपको अभी स्ट्रक्चर सीखना चाहिए थर्ड ईयर में, तो हाँ कैसे सर, होगा ना और मेरा आपका कोर कोर टेक्निकल स्ट्रांग हो जाए, कोर वीक रहता है कॉलेज में, और जैसे मेरा सर बिल्कुल वीक है क्योंकि टेक्निकल हाँ का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप इसको सीखिए, तो उसमें क्या होता है ना आपका कोर स्ट्रांग हो जाएगा, जब कोर स्ट्रांग हो जाएगा आपको व्यायाम करना है करिए, बट नेक्स्ट ईयर जी करिए सर, जब जॉब जी लगने का होने वाला तब। सर, जैसे मैंने फाइंड किया कि स्ट्रक्चर से ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे को मॉडलिंग, क्योंकि मैंने कुछ इस बीच मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया तो हाँ इंटरेस्ट जिम में बिल्ड हुआ है। करेक्ट, देखिए बीम में और इंटरेस्ट बहुत अच्छी बात है, बट अपना ना जो डोमेन का नॉलेज है ना उसको स्ट्रांग रखना भी जरूरी है। जी सर वही सर मैं कहना चाह रहा था कि मतलब हाँ टेक्निकल वीक है तो पहले मतलब पहले उसको मैं स्ट्रांग करता हूँ उसके बाद मैं ज्वाइन कर सकता यस हूँ यस, क्योंकि आपको इसमें ना गुरुकुल में फायदा होगा, आप जैसे स्ट्रक्चर सर। गुरुकुल में हो तो स्ट्रक्चर गुरुकुल जब व्यायाम गुरुकुल में जाओगे ना तो आपकी केवल हाफ ही फी लगती है ठीक है, ओके तो सर, आपके लिए बेनिफिट क्या हो जाएगा कि आपका 10,000 में ही सब कुछ हो जाएगा नेक्स्ट गुरुकुल, तो ये आपके लिए बेनिफिट। प्लस कॉलेज का कैसा होता है कि कहीं ना कहीं देखिए ना, अभी बहुत से बच्चे होते हैं गाइस, मैं आपको बता दूं जिनकी मॉडलिंग बहुत अच्छी है, बट इंटरव्यू ने थोड़ा सा हिंट लगा लिया कि इसका स्ट्रक्चर वीक है या फिर इसका बेसिक वीक है, तो बार बार उसी पे क्वेश्चन पूछेगा, आपके मोटिवेशन को खराब कर देगा ठीक है, और फिर आप आते हुए भी आंसर को खराब करके आते हो, इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाते हो। इसलिए हर किसी को कोर अपना स्ट्रांग रखना चाहिए। सर और एक क्वेश्चन मेरा ये था सर कि जैसे मेरा डोमेन सिविल है हाँ तो मेरा जॉब का चांसेस क्या सिर्फ आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर में या फिर मैं एमई पे भी स्विच कर सकता हूँ? सब में कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है लॉन्ग टर्म में, तो कैसे होता है आप लॉन्ग टर्म में तो ऐसे ऐसे काम करोगे जो आपके डोमेन से ही नहीं है। मेरा एक दोस्त है, 12 साल 13 साल का एक्सपीरियंस है उसको, वो डिजाइन इंजीनियर था, आज वो केवल केवल एक्सेल पे कोटेशन बनाता है ठीक है, और मतलब सोचो प्रोफाइल कहाँ से कहाँ आ गई, वो कहाँ डिजाइन इंजीनियर और कहाँ एक्सेल पे कोटेशन बना के दे रहा है तो। और लेकिन अब मैं बताऊँ तो मैनेजर है ठीक है, और मैनेजर में भी सीनियर मैनेजर है, उसकी सैलरी में बताऊँ तो 1,60,000 रुपये है ठीक है, और काम कितना छोटा सा है लेकिन कंपनी उसकी एमएनसी है ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में सब काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। हाँ सर ओके, बट और एक जैसा मैंने देखा कि मतलब कुछ मैं कंपनी सर्च कर रहा था तो मैंने एमईपी का ज़्यादा वैकेंसी देखा, तो मतलब वैसा कोई सीन है क्या कि सर मतलब स्ट्रक्चर से ज़्यादा एमईपी एमईपी को प्रेफरेंस नहीं, मिल रहा है? नहीं, कैसे होता है ना कि एमईपी पर लोग नहीं मिल रहे हैं लोगों को ठीक है, ओके जैसे सर, कि अभी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले जो लोग हैं उन अवेयर नहीं है एमईपी से रिलेटेड, एक्चुअली वो उनकी प्रोफाइल है समझ गए, तो जिस चीज़ में लोग अवेयर नहीं होते उसकी भीड़ मतलब उसके लिए तो पोस्ट करना पड़ेगा ना
ठीक हाँ है, वही, तो मतलब वो सर उसमें मैं ज्यादा पोस्ट स्ट्रक्चर दिखे। ढूंढते रहता हूँ, मतलब कहीं अगर सिविल का रहे तो ज्यादातर मेरे को एमईपी दिखता, तो मैं लगा क्या पता एमईपी ज्यादा नहीं, डिमांड में है, इसमें यहाँ पे क्या भी होता सिविल है, पीछे ही है। एक्चुअली क्या होता है, ऐसा होगा ही नहीं, जो बिल्डिंग बनेगी उसी का तो एमवीपी होगा, वही सर। हाँ ठीक है, सेम ही प्रोफाइल रहेगा ना। जब मैं आर्किटेक्चर मॉडल नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर मॉडल नहीं बनेगा, तो एमवीपी मॉडल किस पे बनाओगे, उसी मॉडल पे बनेगा ना, तो रिक्वायरमेंट तो आनी ही आनी है। दूसरी चीज क्या होता है सीओम की, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर की जो वैकेंसीज हैं, लोग खुद से, मैं मेरे ही कोई स्टूडेंट से मैं उनको टेक्निक सिखा देता हूँ, वो लिंक्डइन से खुद ही चैट कर करके कंपनी से कांटेक्ट किए रहते हैं, रिक्वायरमेंट आती है, पोस्ट होने की जरूरत ही नहीं, वो पहले से रिज्यूम पहुंचा हुआ है, सिलेक्शन हो जाता है। तो जिस चीज का पोस्ट पहले से हो जाता है, जैसे होता है कि अभी देखते होंगे, अभी जब सीजन आता है आम वगैरह का, तो माइक लगा के जिसका आम सड़ा रहता है बार बार चिल्लाता है, आम ले लो 100 रुपए का 3 किलो, 100 रुपए का 3 किलो, जिसका आम अच्छा वो साइलेंट रहता है, बिकी जाएगा, समझ गए। तो स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर में तो लोग मिल ही जाते हैं, एमईपी में लोग मिलते नहीं, इसलिए ढेर सारी आपको रिक्वायरमेंट दिखती है, बस इतनी सी रीजन है। ओके थैंक यू सर। ओके जी, ठीक है। एंड साकिब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या, आपने हैंड रेज किया हुआ है, सर जी बोलिए। सर, हेलो तौसीफ, तौसीफ इसके बाद आप रख लीजिएगा क्वेश्चन। हाँ साकिब बोलिए। सर, मेरे स्टार्टिंग में आपसे बात हुई थी हाँ पता है, मुझे याद है। जी सर। तो शिवम का जैसे मैंने अभी क्वेश्चन सुना सर, तो उन्होंने बोला कि मतलब बेसिक जो टेक्निकल नॉलेज है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो सर मैं तो जैसे पास आउट भी बहुत पहले का हूँ और काम भी मैंने दूसरे में किया, और इंजीनियरिंग सर मतलब लो आप जान ही रहे हैं सर, मतलब पास कर जाते हैं हम लोग, बैक नहीं लगता, पेपर क्लियर होता चला जाता। मैं आपको तो दिखा देता हूँ, मैं जब व्यायाम की ट्रेनिंग आपको कराता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैंने सब सेट कर दिया है, मुझे पता है। साकिब आपका जो क्वेश्चन लास्ट स्टार्टिंग में भी वही था कि आपका बेसिक वीक है, आपने मार्केटिंग में जॉब किया हुआ, मेरी मेमोरी ठीक है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ना बेसिक्स पहले से ही बना के रख देता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे व्यायाम का आपको मैं सिलेक्शन की जब तैयारी करवाता हूँ, ये मेरा सबसे बेस्ट नोट्स है। अब इसमें जब आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में पूरे एचआर क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हाई शुड बी हायर यू, इसके बाद सारा कुछ व्यायाम से रिलेटेड है, व्हाट इज व्यायाम, व्हाट इज एलओडी, सब ये सब दिख रहे होंगे, रैबिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब लास्ट में आ जाइए, तो मैं आपके लिए बेसिक्स बना के रखा हूँ, देखिए ये क्या है, ठीक है। आप देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक क्यों दे रहा हूँ, ये बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, सीमेंट के कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, बेसिक आपका भी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे कंक्रीट जितने टेस्ट होते हैं सब, ठीक है। किसका यूनिट वेट कितना होता है, किसकी कितनी यूनिट वेट, मतलब डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर किसका कितना कवर होता है, किसका लैपिंग कितना होता है, देख रहे हैं। लास्ट के दो जी पेजेस सर, मैंने केवल बेसिक डिस्कस किया, ऊपर पूरा व्यायाम, ठीक है। तो जितना जी सर, आपको रिक्वायर्ड है इंटरव्यू के लिए, उतना मैं आपको यहाँ पर प्रिपेयर कर दे रहा हूँ। रही बात सीओम की, तो सीओम के पास ना अभी समय है, ठीक है, थर्ड ईयर में है, तो ये अपने समय को सही यूटिलाइज कर सके, इसलिए मैंने इनको रिकमेंड किया कि आप पहले स्ट्रक्चर से पूरा अपना नॉलेज गेन कर लो, फिर आपको व्यायाम, आपका टाइम है ना फाइनल ईयर तक में, ठीक है। इनका जी केस सर, आपका केस अलग था, ठीक है, तो इनके पास टाइम है, इसलिए इनको सीखना चाहिए, स्ट्रक्चर्स को जानना चाहिए, इनको मजा आएगा। आपको ये चीजें लॉन्ग टर्म में करनी चाहिए, अभी नहीं, अभी आपके लिए क्या प्रेशर होना चाहिए, 21 के पास आउट हो, मुझे जल्दी से कैसे भी करके व्यायाम स्विच करना हो, ये फोकस होना चाहिए, सर ठीक है। आपसे कॉल पे बात हो सकती है क्या सर, यस आपका सर, क्यों नहीं, नंबर? क्यों हेलो क्यों नहीं होनी चाहिए, ये नंबर बात करो, मैं ही क्यों कॉल उठा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर, हेलो मैं पुरुषोत्तम बोल आइए रहा सर, सर 95801 आप लोग आपका हूँ। नंबर है। हाँ, आप कॉल करिए, बस बोल दीजिए, मैं ही उठा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भाई का जी ही सर, नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हेलो सर, मेरा हाँ आपसे पूछिए। बात हुआ था पहले अभी। ओके हाँ सर, वो हाँ, टेक्ला स्ट्रक्चर और टेक्ला मॉड्यूलर में फर्क क्या है? नहीं, टेकला में चार प्रोफाइल होती है, ठीक है, टेकला में चार प्रोफाइल होती है। टेकला पहले बताओ, जान लीजिए, जान लीजिए कि टेकला में अलग अलग सॉफ्टवेयर है, एक तो टेकला स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर है, एक है टेकला स्ट्रक्चर डिजाइनर, कई लोगों को पता ही नहीं अच्छा रहता है, डिजाइनर का काम अलग है, डिजाइनर इज जस्ट लाइक स्टैड और ईटैब, वो डिजाइन करता है, इंडिया में वो सक्सेस नहीं है, उस पर जॉब भी नहीं है, ठीक है। जॉब किस पे, टेकला स्ट्रक्चर्स पे जॉब है, जो कि डिटेलिंग करता है जस्ट लाइक रेव स्ट्रक्चर, ओके, पहली चीज तो ये। अच्छा अब इसमें चार प्रोफाइल है बेसिकली, पहली प्रोफाइल है टेकला मॉडुलर है पुरुषोत्तम, जिसमें मॉडल किया, जैसे मान लीजिए वेयर हाउस है, वेयर हाउस को जस्ट मॉडल करना होगा, ठीक है। उसके बाद होता है जस्ट एग्जीबिट। यस, और उसके बाद उसी में प्रोफाइल में टेकला डिटेलर होता है, जो कि उसी मॉडलिंग में डिटेलिंग का वर्क करता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक होता है टेकला एडिटर, उसी में जो एडिटिंग होती है उस पार्ट को कंप्लीट करता है, और उसी में एक होता है अच्छा टेकला चेकर, जो कि उसी प्रोजेक्ट को चेक करता है, उसका हेड होता है बेसिकली। तो ये चार अच्छा प्रोफाइल है इसमें। और सर, जो मैं आपसे एक बार और क्वेश्चन, अभी जो आपने दिखाया जो ऑफलाइन में भी, वो क्या मैनुअल हमको मिलेगा जो, यस यस, हाँ जो आपने अभी दिखाया आपने जो इंटरव्यू हाँ के लिए हाँ अभी? हाँ सब मिलेगा सर, आप ही क्या है, वो मेरा थोड़ी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा ठीक है। हाँ मैं तो यूट्यूब पे भी दिया हूँ ऑलरेडी, पढ़िए तो।
और सर कोई वो गाइड सर क्या आपको हमको मिलेगा, जो आपने बोला अभी कि स्टूडेंट को हम बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे कंपनीज के साथ चैट करो और जॉब नहीं, मिलेगा? वो तो गुरुकुल का है ना, वो तो कैसे कि वो तो लाइव में आते हो तो मैं उसको अलग अलग टेक्निक बताता हूँ ना, तो वो तो अच्छा, रिकॉर्डिंग में दे भी दूंगा, समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है, यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, लोगों को समझ में नहीं एक आएगा थोड़ी वो। तो सर हेल्प कर सकते हैं आप लोग हाँ, इनमें। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सर क्या यूट्यूब देख लिया आप। ऑफलाइन में कुछ हमको अगर कोर्स करें तो कुछ सर्टिफिकेट या कुछ भी नहीं मिलेगा क्या? सब मिलेगा, सब सारे सर्टिफिकेट मिलेंगे ऑफलाइन में, हर सॉफ्टवेयर के इंडिविजुअल सर्टिफिकेट मिलते हैं, ओनली इंटर्नशिप लेटर नहीं, ऑफलाइन की बात नहीं करो, एक्चुअली आप ऑफलाइन करो काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, ऑफलाइन का मतलब होता है कि जो आप मेरे पास आके सीखे उसको ऑफलाइन बोलते हैं, आप बात कर रहे हो रिकॉर्डेड का, ठीक हाँ, है, रिकॉर्डेड था। ठीक है, तो रिकॉर्डेड में काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ऑफलाइन सर ने अभी कब से किया, तो रिकॉर्डेड में क्या होता है, आपको सारे सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट मिलते हैं, ओनली इंटर्नशिप लेटर नहीं मिलता, क्योंकि डेफिनेटली आपने अच्छा मेरे अंडर में नहीं सीखा तो मुझे क्या पता आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, समझ रहे हैं, बस इतना अच्छा सा फर्क रहता है, बाकी सब सेम रहता है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, बस मेरा हो गया। हेलो, ओके जी, तौसीफ जी बीच में कुछ पूछ रहे थे, बीच में रह गया उनका क्वेश्चन। हाँ जी, हेलो सर। हेलो, यस तौसीफ बोलिए। हेलो, हाँ सर, ये बीम के अंदर कौन से आते हैं? मतलब दो टाइप के रहते हैं बोल के सुना सर मैं, स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर। नहीं एक्चुअली इसमें काफी लोग ना, जो मैं देख रहा था अभी रिसेंटली, कुछ ऐसे जगह थे जिनका नाम नहीं लेना चाहिए, वो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को भी बीम में ऐड कर दे रहे वाह, थे, ठीक है, तो मैं अभी नाम नहीं लूंगा किसी का, बट ये समझो कि स्ट्रक्चर कंसल्टेंट अलग होता है, बीम कंसल्टेंट अलग होता है तौसीफ, ठीक है, बीम कंसल्टेंट जो होता है उनके पास होता है उसका पूरा का पूरा मॉडल हूबहू तैयार करना, ठीक है, और उसके लिए एनालिसिस पहले से हो जाती है जो कि स्ट्रक्चर इंजीनियर करता है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर कंसल्टेंट अलग है, बीम कंसल्टेंट अलग है, बीम में, हाँ बीम में आर्किटेक्चर डिसिप्लिन होता है, स्ट्रक्चर डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग नहीं, स्ट्रक्चर डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रक्चर डिटेलिंग्स की बात हो रही है, ठीक है, और एमएपी होता है, ये तीन डिसिप्लिन होती है बेसिकली, क्लियर, तो ये होता है, नहीं, अब आप कुछ अब पूछिए। जॉब अपॉर्चुनिटी कैसा आती है सर? बीम स्ट्रक्चर चाहिए, हाँ बीम मॉडलर चाहिए, बीम हाँ आर्किटेक्चर चाहिए, तो हाँ इसका स्पेसिफिक क्या है, रीजन पूछना चाह रहा था सर मैं। स्ट्रक्चर मींस क्या है स्पेसिफिक, देखिए कैसे होता है उसके अंदर कि, क्या काम होता देखिए इसमें क्या होता है कि एक ही फाइल के ऊपर हर डिसिप्लिन के लोग काम करते हैं, ठीक है, एक है? ही हाँ, फाइल वॉट में, ठीक है, तो अब क्या होता है उसमें, जैसे कि एक ही फाइल है उसमें मैं एक ही बंदे को रख दूंगा सारे डिसिप्लिन में, तो कंफ्यूजन गड़बड़ कर देगा, तो क्या होता है कि एक मैंने बीम मॉडलर रखा, अब मॉडलर तीन रखे जाएंगे, एक मॉडलर होगा स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर मॉडलर, एक होगा आर्किटेक्चर मॉडलर, एक होगा एमईपी मॉडलर, तीनों ही मॉडलर है, समझ गए, लेकिन तीनों अपने डिसिप्लिन का काम करेंगे, ठीक है, ये मेन डिफरेंस रहता है, तो उसमें जैसे कि आर्टिकल डिसिप्लिन वाला है तो केवल आर्टिकल वर्क करेगा, बट कोई भी स्ट्रक्चर डिसिप्लिन का इंटरव्यू देने जाएगा उससे भी आर्टिकल का नॉलेज चेक किया जाएगा, क्यों, क्योंकि उसी फाइल में तो करोगे ना, तो आपको अगर उस फाइल का नॉलेज नहीं है गड़बड़ कर दोगे, कोई एमईपी का वर्क कर रहा है उससे भी पूछा जाएगा आर्टिकल स्ट्रक्चर, ओके सर, जो आपके पास अगर ये कोर्स है, ये कोर्स में अगर मैंने ले लिया तो आप ये सभी चीज को मैं कवर कर देते तीनों ना? ही कराना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर इंटरव्यू सिलेक्शन में दिक्कत जाती है ना, हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है जी कि हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो, तो कोई किसी भी जी पूछे तो मेरे पास सारे का आंसर, मैं तो कोऑर्डिनेटर तक आपको बताता हूँ, नेविस और जो है कोऑर्डिनेटर का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेकिन उसको अगर, ओके एक मिनट सुजीत थोड़ा सा प्लीज इनको कंप्लीट हो जाए उसका आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, तो नेविसवर्क जो होता है, नेविसवर्क जो होता है वो कोऑर्डिनेटर का सॉफ्टवेयर है, बट हम वहां तक आपको क्यों करा, क्योंकि नेविसवर्क में 4D और 5D का काम करते हैं आप, इससे यस कि यस आपको कोई भी जॉब मिले आप परफेक्ट रहे, इसीलिए मैं आपको वो सारे सॉफ्टवेयर करा के दे देता हूँ, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, आई विल टच यू अगेन। ओके, ओके, थैंक 100% ओके थैंक यू सुजीत, वेरी मच सर। ओके जी, सर मोस्ट वेलकम सुजीत, सुजीत अब बोलिए। बिम में तो एमएपी रहता है, वो मैकेनिकल वालों के लिए रहता है क्या? उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों को रहता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग बोलते हैं उसको, तो मैकेनिकल प्रोफाइल वाले भी काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोफाइल वाले काम भी करते हैं, दोनों ही आप काम करते हैं, और इवन सिविल सिविल वाले वाले भी भी करते करते हैं। हैं, हाँ ओके, करते ही हैं, लेआउट का थैंक काम जो करता है वो करते हैं, ओके जी, ओके, एंड एक क्वेश्चन आकाश जी का है, आकाश अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज, आपने हैंड रेज सर। किया है, सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं? अरे भाई क्यों नहीं मिलेगा भाई, ठीक है, साजिद अली जी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या बोलते हैं, हर सॉफ्टवेयर का इंडिविजुअल सर्टिफिकेट मिलेगा, आईएसओ सर्टिफाइड, एमएसएमई अप्रूव्ड, सारा सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है सर, थैंक ओके जी, यू। ओके जी, एंड आकाश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, यस आकाश बोलिए। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, थोड़ा घड़घड़ाहट के साथ आवाज आ रही है,
आप अगर फैन बंद कर देंगे तो और अच्छी आवाज आएगी, थोड़ा सा घरघराहट रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन में आंसर हो जाएगा आपके कैरियर की बात में। हेलो सर, आवाज क्लियर है सर? यस हाँ सर, तो मैं यही बोल रहा था कि जैसे मैंने एमईपी कोर्स किया हुआ है और मैं एमईपी में ही करियर बनाना चाहता हूँ, करेक्ट, तो इसमें मुझे और कौन कौन से स्किल ऐड करने होंगे? आप बस एचवीएसी के बारे में अच्छे से सीखिए, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, एचवीएसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से गेन करिए, थर्मोडायनेमिक्स का अगर समय मिले तो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई करिए, सबसे अच्छा रहेगा, आराम से आपकी जॉब इसके अंदर लग जाएगी, ठीक है? तो इसी में आपको वर्क करना चाहिए, और इसीलिए आप HBSC का जितना नॉलेज हो सके आप पढ़िए, इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, छोटे छोटे प्लगइन्स हैं, तो इसे खुद से पढ़िए, ठीक है? यूट्यूब पर कुछ लोगों के वीडियो होंगे जो मैकेनिकल वाले लोग होंगे, उनसे पढ़ेंगे तो आपका बेहतर रहेगा। सर आपके पास कोई अवेलेबल है जिससे मैं HBSC से रिलेटेड कुछ कर सकूं? नहीं, मैं जब करूंगा तो मैं बहुत डेप्थ में कराना पड़ेगा, इसलिए मैं जो करूंगा तो बहुत डेप्थ में रहेगा, इसलिए मैं भी करता ही नहीं हूँ, तो इसलिए नहीं है मेरे पास। और सच बताऊँ तो देखो कैसे होता है, थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा नहीं है ना हमारे कॉलेज में, तो मास्टर्स तो एमई में तो सॉरी इसमें मैकेनिकल तो था नहीं, सिविल डोमेन है ना, तो हम लोग को HBSC मुझे तो आता नहीं है, मुझे रेबिट एमईपी आता है, लेकिन रेबिट एमईपी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको प्लम्बिंग करना है, जैसे उन्होंने बोला लेआउट ड्रॉ कर दिया है ना, बट वो लेआउट जो आपने ड्रॉ किया उसके पाइप का कैलकुलेटर भी तो पता होना चाहिए आपको, समझ जी गए? जी तो वो प्रेशर कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं मोटर में, कि कहाँ पर मोटर एग्जैक्ट रिक्वायर्ड है, कैसे प्रेशर हेड लॉस कैसे हो रहा है प्रेशर का, इसका प्रॉपर कैलकुलेशन मैंने प्रयास किया कई बार सीखने का, बट वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना डोमेन वाला वो नहीं आता है, जो सिविल का डोमेन के बच्चों को सिविल का ही नॉलेज ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए जी मैंने नहीं किया, ठीक है? तो HBSC आप उसे कर सकते हैं, रेबिट एमईपी मुझे आता है, आपको एमईपी ऑलरेडी आता है तो मुझे लगता है कि मेरी जरूरत नहीं है, आप HBSC सीखिए कहीं से। HBC में सर सॉफ्टवेयर सीखने होंगे कोई नहीं, या HBSC कोई उसके सॉफ्टवेयर नहीं, थ्योरेटिकल? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है उसका, ओके न्यूमेरिकल्स होते हैं बेसिकली, न्यूमेरिकल्स से सीखिए उसके, और खुद से सीखिए, कोई इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके सर, ओके ओके थैंक यू सर। ओके गाइस, मैं आप लोग का समय ज़्यादा ले रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है कि क्योंकि आप मेरे कैंसर पर अपने कैरियर को शायद डिसाइड करने जा रहे हो, तो गलती से अगर मेरे से कुछ गलत हो गया ना तो आपके कैरियर के लिए नुकसान हो जाएगा, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं क्लियर बता दूँ कि समय लगता है, लेकिन बिलीव करिए मैं जहाँ पे बैठा हूँ मैं आपको कुछ भी गलत नहीं बताना चाहूंगा, कोशिश यही रहेगी कि गलत तो बताना ही नहीं चाहिए, प्लस मेरे से गलती से भी गलत ना निकल जाए, इसलिए मैं आपका समय ज़्यादा ले रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, बट थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आपके सारे आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी खाटी जी हैं, खाटी सॉरी आपका अगर नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। यस खाटी बोलिए प्लीज, जी सर, सर पूछना बोलिए। चाह रहे थे कि सर बीम में सर क्या मंडे टू फ्राइडे जॉब्स रहते हैं क्या सर? यस यस, बीम में जितनी भी स्टैंडर्ड कंपनी है सब में मंडे टू फ्राइडे ही जॉब रहता है, ठीक है? और और जो सर स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में सर मंडे टू सैटरडे भी रहता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में अंतर रहता है कंपेयर टू बीम, लेकिन इसको जो स्ट्रक्चर केवेंसीज है वो भी मंडे टू फ्राइडे। सर भीम गुरुकुल और आपका सर रिकॉर्डेड में क्या अंतर है सर? मेरे को रिकॉर्डेड, मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिकॉर्डेड वाला करूंगा सर, लेकिन कर सकते हैं, देखिए रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं। इज इट इनफ लेकिन सर ये पूछना चाह रहे थे सर। देखिए कैसे होता है कि जैसे कि एक मेंटोर की जरूरत आपको पड़ती है, टाइम टू टाइम प्रिपरेशन हमारी अच्छी चल रही है, या फिर इंटरव्यू के लिए मैं एलिजिबल हो रहा हूँ, या फिर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है बार बार, ठीक है? ऐसी चीजों के लिए ना कहीं देखिए मेंटर की तो जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो उसके लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि देखिए रिकॉर्डेड उसके लिए अच्छा है जो ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर रहा है, ठीक है? तो उसको क्या होगा, उसको रिवाइज करना है, रिकॉर्डेड से फटाफट रिवाइज कर लेगा, लेकिन अगर आप बिगनर हैं आपको प्रॉपर एक पाथ चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर आप साथ चलेंगे यानी लाइव में चलेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, उसमें यही रहेगा, देखिए आपने आज प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एट अ टाइम आज सोल्यूशन मिल गया आपको, ठीक है? कल प्रोजेक्ट किया कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको हो गया, फिर उसमें प्रोजेक्ट में भी एक लेवल होता है, जैसे कि जो लोग अपने गुरुकुल के यहाँ पर है उनको पता है कि हमने पहले उनको छोटे प्रोजेक्ट दिए, उन पर जब उनका लेवल हो गया फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये चैन मुझे पता है, समझ रहे हैं? तो ये चैन का जो लैक होता है ये रिकॉर्डेड में हो जाता है, बाकी सब कंटेंट वही है, इवन आपको बताऊं तो 1.5 घंटे जो लाइव रहता है केवल वही अलग है, अदरवाइज जो 1.5 घंटा रिकॉर्डेड है वही है जो आपके रिकॉर्डेड आप पढ़ते हो, बट उसमें कब क्या पढ़ना है उसके लिए आप मेरी हेल्प लेते हो, प्लस इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार होना है, कैसे हर मंडे को आप मॉक इंटरव्यू देकर अपने कॉन्फिडेंस को रेज करोगे, इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं आपको कुरकुल में ज्यादा हेल्प मिलेगी। पोर्टफोलियो बना रहे हो, पोर्टफोलियो में लेवल आ रहा है क्या, पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो में क्वालिटी आ रही है क्या, पोर्टफोलियो में कहाँ पर और कुछ अच्छा करना चाहिए, वो सारी चीज़ें अभी आपने देखा तो वर्क कितना अच्छा अच्छा भी फाइनल ईयर के बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ये बेनिफिट मिल जाएगा। बट कंटेंट सेम है रिकॉर्डेड में, रिकॉर्डेड में एक प्रॉब्लम मैंने देखा हुआ, लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं खाटी की, आज पढ़ लिया ठीक है रिकॉर्डेड तो है कल पढ़ लेंगे। बट मेरे गुरुकुल में एक रूल है, क्या रूल है पता है आपको, हर दिन आपको एक एक्सेल सीट बनानी पड़ेगी, मैं से एक्सेल सीट रखी होगी एक दो, तो जैसे आज आपको दिया टास्क तो आज आपको लेक्चर वॉच ही करना पड़ेगा और वॉच करके कल बताना पड़ेगा कि सर मैंने ये वॉच किया। क्यों बताना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका एक्सेल सीट भरना पड़ेगा ना आपको, एवरी डे आपको एक्सेल सीट भरना पड़ेगा मैंने किस दिन क्या सीखा। तब देखिए आपके सामने एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, जैसे आप ऑटोकैड सीखने आए, आपको 3 फरवरी को जिसने भी सीखा था उसको क्या सीखना पड़ा, लेक्चर 5, ठीक है लेक्चर 5 पढ़ना पड़ा, उस 5 में क्या पढ़ा आपने, झूठ नहीं बोल सकते हो, आपको बताना पड़ेगा कि उस 5 में आपने पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया, मॉडिफाइड डायमेंशंस के बारे में पढ़ा, थ्योरी क्लास यानी जो आपकी लाइव क्लास उसमें क्या पढ़ा आपने, लाइव क्लास में आपने बिल्डिंग बाई लॉ के बारे में पढ़ा एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए प्रैक्टिस में क्या किया, प्रैक्टिस में ये प्रोजेक्ट्स किया आपने, उसके बाद आपने कुछ नई चीजें सीखा होगा जो मैंने क्लास में बताया होगा। तो बेसिकली ये जो डिसिप्लिन है ये एवरी डे मेंटेन करना है, 4 फरवरी 6 फरवरी 7 फरवरी 12 फरवरी देखते जाइए आप, इस तरीके के डिसिप्लिन। अब देखिए कैसे इनका लेवल बढ़ रहा है, कहाँ से यहाँ से आए थे, आप देखिए धीरे धीरे इनका प्रोजेक्ट का लेवल और नीचे आएंगे, तो अभी देखिए रेविट में देखना कितने छोटे छोटे प्लान, आप आगे देखिएगा, आप क्वालिटी देखते जाइए बढ़ते जाइए, जैसे जाएंगे आपको एकदम हायरार्की मिलेगी कि हाँ यार छोटे से बड़ा छोटे से बड़ा छोटे से बड़ा फिर उसके बाद और बड़ा, इस तरीके का बेनिफिट जो होता है वो आपके इस गुरुकुल में हो जाता है। समझ गए खाटी जी, ओके। एंड क्या बोलते हैं क्वेश्चन, एक गाइस यहाँ पर इनका है क्या, उज्जवल जी का, यस उज्जवल पूछिए प्लीज, उसके बाद रिकॉर्डिंग अतुल का भी क्वेश्चन लेता हूँ और एन विश्वा का भी, अतुल कुछ सॉरी उज्जवल कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, ठीक है। विश्वा जी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर आई एम पास आउट 2022, ओके ओके एम टेक और डू द एम बी ए रिलेटेड वाइल टू डूइंग जॉब, आई थिंक एम टेक ज़्यादा बेटर रहेगा, एम बी ए करके कोई मतलब नहीं है, एम बी ए मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है, क्योंकि आप कोई सेल्स पर्सन थोड़ी बनने जा रहे हो, ठीक है आप एक सिविल इंजीनियर हो, तो आपको मास्टर्स अगर ज़्यादा पढ़ने का शौक है तो मास्टर्स करो, और पढ़ने का शौक नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, डिग्री ही सफिशियंट होता है आज के टाइम में, सब स्किल का टाइम है, बिलीव करिए मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्टर्स भी किया है इवन पीएचडी भी किया हुआ है, बट स्किल्स की वजह से लैक कर रहे हैं, स्किल्स आज के टाइम में ज़्यादा वैल्यूबल हो गए हैं एज कम्पेयर टू डिग्री, ठीक है, और इसलिए बता रहा हूँ कि आप स्किल्स पे ज्यादा फोकस करें, डिग्री कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दे रहा है जबरदस्ती कि हाँ यार आपका डिग्री है, आजकल तो आपको पता है कैसे डिग्री बन जा रही है, ठीक है कि आप बस आइए का एग्जाम दे दीजिएगा, चलो भाई एमटेक कर लेते हैं नाम रहेगा, बस इतना सा ही वैल्यू रह गया है। हाँ अगर आप जाके फुल टाइम किसी IIT NIT से कर रहे हैं वो एक अलग चीज हो सकती है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं यहाँ पर इन्होंने उज्जवल जी पूछ रहे हैं कि सर वर्क फ्रॉम होम, यस वर्क फ्रॉम होम पक्का मिल जाएगा, 100% BIM में वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, रीजन ये है इंडिया में भी बैठ के आप जो प्रोजेक्ट करोगे वो फॉरेन के ही प्रोजेक्ट्स रहेंगे, तो जो फॉरेन के प्रोजेक्ट्स हैं वो यहीं पर रहेंगे तो कोई मतलब नहीं, आराम से हो जाएगा। एंड उज्मा जी बोल रहे हैं कि सर जॉब वैकेंसीज कहाँ पे होंगे आप बताएंगे, यस यस मैं खुद आपको बताता हूँ कि जॉब वैकेंसी कहाँ कहाँ पर रहने वाली स्ट्रक्चर है, में वर्क फ्रॉम होम रहता है क्या? होता है लॉन्ग टर्म में होता है, स्टार्टिंग में नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है आपको पता नहीं रहती है चीजें करना कैसे है ना, और उसमें गलती मतलब आप किसी के जान के साथ खेल जाएंगे, इसलिए स्टार्टिंग में नहीं रहता लॉन्ग टर्म में होता है, ठीक है सुजीत, ओके एंड ओके जी। एंड इन्होंने बोला सर जॉब वैकेंसी कहाँ पे है आप बताएंगे क्या, यस मैं 100% जहाँ जहाँ जॉब निकलती है मैं खुद अपडेट करता हूँ आपको, प्लस उसके बाद मैं आपको ही बताता हूँ कि आपको कैसे करना चाहिए, दोनों ही है सर, बीम और शुड बी गो फॉर द IIT डाटा साइंस एंड हैव नॉलेज, अगर आप IIT डाटा साइंस इन सब चक्करों में पढ़ेंगे आज से 4 साल बाद वापस आएंगे, परेशान होकर वापस आएंगे, इसलिए ऐसे मार्केटिंग वाले लोगों के बीच में मत पड़िए, सिंपल से अपने डोमेन के अंदर रहिए, BIM स्ट्रक्चर्स में कैरियर बनाइए, या BIM में बना लीजिए या फिर स्ट्रक्चर बना लीजिए, दूसरे डिसिप्लिन में कभी नहीं जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म में मेरे पास बताऊँ मैं इन्फोसिस के एम्प्लॉई हैं, टेक महिंद्रा के एम्प्लॉई हैं, 4 साल बाद वापस आके सीख रहे हैं, इसलिए आप उस गलती को मत करें जो वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए गलती मत करो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा और हार्डली करूंगा, नहीं करोगे तो बाद में भोगोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन्होंने बोला कि सर व्हाट इज द एक्सप्लेन सॉरी व्हाट इज बीम, ओके जी बीम को मैं उसमें ने भी कार्तिक बताया कि बीम इज नथिंग बट इट इज जस्ट इंटेलिजेंट 3D मॉडल, क्या
इंटेलिजेंट 3D मॉडल विच इज बी कंस्ट्रक्ट बिफोर द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन होने से पहले हम लोग कंप्लीट एक 3D मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं। उस मॉडल में सारी इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंट किसको बोलते हैं, जिसके पास सब कुछ पता हो जिसको, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि एक दुकानों के बाहर एक पुतला लगा रहता है ना, पुतला, पुतला क्या है, पुतला एक 3D मॉडल है ना। अब क्या उसको मैं बोल दूं बी मॉडल है, नहीं, वो इंटेलिजेंट कहाँ है, वो तो ऐसे खड़ा रहता है, ठीक है। आप लोगों ने एक रजनीकांत सर की मूवी देखी होगी, क्या नाम है वो, रोबोट, ठीक है, तो रोबोट देखा होगा कार्तिक, तो रोबोट में क्या था, रोबोट सारे फंक्शन करता था, राइट, तो क्या हो गया, वो इंटेलिजेंट था। इसलिए ऐसे ही बिल्डिंग के अंदर रोबोट जैसी आपकी सारी चीजों के फंक्शंस जो कर सके उसको बोलते हैं आपके बी मॉडल, और जो एक पुतला खड़ा रहता है उसको बोलते हैं 3D मॉडल। तो 3D इंटेलिजेंट मॉडल इज जस्ट लाइक अ रोबोट। तो उसमें आप जो चीजें होने वाली है, चाहे कितने दिन में कंस्ट्रक्ट होगी, चाहे उसका कैलकुलेशन हो, कितना प्राइस लगेगा चाहे उसका कैलकुलेशन हो, कैसे दिखेगा चाहे उसका कैलकुलेशन हो, क्या टेक्सचर यूज करोगे चाहे वो हो, चाहे मटेरियल का कैलकुलेशन हो, चाहे रेनफोर्समेंट का हो, सारा कुछ कैलकुलेट कर लेना बिफोर कंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड बी मॉडल, ठीक है, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। एंड मैं आसान करके बता रहा हूँ, बाकी है तो बहुत लंबा, शायद वो अभी तुरंत नहीं बता पाओ, इसलिए ऐसे शॉर्ट में बता दिया आपको, होप सो क्लियर हुआ होगा। एंड यस, आप इसके लिए सर से बात कर सकते हैं, सब सभी कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बस आप सीखने के लिए डेडिकेट रहिए, और फी वगैरह का बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है, आप जस्ट सीखने के लिए डेडिकेट रहिए बस, ठीक है। यस साकिब बोलिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद, जी सर, बोलिए। मुझे ये पूछना था सर, क्लास टाइमिंग क्या रहेगी, और सर जैसे आप, मुझे वो बैच ज्वाइन करना है जो मतलब ऑनलाइन क्लास हो, मुझे मेंटरशिप का गाइडेंस मिले, मतलब सारे एट चीज़ एट 8:30 से 10, एट सर, थर्टी से वो टेन यस मंडे से यस फ्राइडे, यस यस मंडे टू फ्राइडे, ओके सर, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे ऑफ इसलिए रहता है क्योंकि कुछ छूट गया हफ्ते भर में, उसे आप कंप्लीट कर सकें। और सर मेंटरशिप जो सेशन रहेगा वो वही हर वही है, क्लास, वही है, यस एवरी डे, ठीक है। जी सर, उसमें तीन और पार्ट होते हैं, डेफिनेटली वो 1.5 घंटे का होता है, तो 30 मिनट्स आपकी मेंटरशिप यानी इंटरव्यू की गाइडेंस होती है, नेक्स्ट 30 मिनट होते हैं जो लाइव प्रोजेक्ट में जो आप करते हो उसको चेक किया जाता है, उसमें कोई मिस्टेक है तुरंत सॉल्व किया जाता है, लास्ट का 30 मिनट आपका होता है क्योंकि आप वीडियो लेक्चर भी वॉच करोगे तो आपके मन में कुछ डाउट आए होंगे, प्रोजेक्ट को करते समय कोई डाउट आया तो लास्ट 30 मिनट आप जितने डाउट पूछना हो, 30 नहीं होते चाहे जितना पूछो आप उसको बेसिकली। सर, तो जैसे लाइव जो सेशन जो चलते हैं उसमें आप सर जैसे पढ़ाते ही नहीं है बेसिकली, मतलब गाइडेंस प्रोवाइड करते नहीं हैं। नहीं पढ़ाते ना, देखो कैसे होता है, जो उसमें प्रोजेक्ट को करने का जो बेसिक्स कंटेंट है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया, लेकिन जो बीम के इंटरव्यू की चीजें हैं वो तो सारा लाइव में ही कराते हैं ना, ओके जैसे सर, कि और आपका, ये हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, जी सर, बोलो। बोलिए सर, तो जी सर, जैसे कि उसमें, जैसे कि तुम्हारा अभी एलओडी है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ये मुझे लाइव में ही पढ़ाना पड़ता है, बीईपी, बीम एजुकेशन प्लान, इसको मैं लाइव में ही पढ़ाऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंटरव्यू के लिए हैं वो सब लाइव रहते हैं आपके। जी सर, और हम लोग को रिकॉर्डिंग सर कितने देर पहले मिलती है, मतलब या फिर रिकॉर्डिंग तो डेली बेसिस पे मिलते होंगे ना। डेली मिलती है, 2 घंटे का रेंडर का टाइम लगता है, जैसे आपका लेक्चर हुआ 2 घंटे में रेंडर हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है। तो 8:30 में जैसे क्लास हुआ, 10 PM में खत्म हो गया, या यस, टेन तो थर्टी में 12 बजे तक आ खत्म, जाता है। 12 बजे, उससे आप हेल्प ले सकते हैं, मतलब फ्यूचर, इन फ्यूचर आपको कुछ हाँ डाउट हाँ रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो तो कैसे, वो तो ऑटोमेटिक आता है, मेरे ऊपर भी नहीं है वो, मैंने बताया ना ये सारे वीडियोस होते हैं अमेजोन पे जाते हैं, अमेजोन वेब सर्वर पे, ठीक है। तो जैसे मैं लेक्चर लेके एंड करूंगा उसके बाद वो तुरंत रेंडर करेगा, रेंडर करके जिस स्पीड से उसको करना होगा करके अपलोड कर देगा, हार्डली 2 से 2.5 घंटे, कभी 1.5 घंटे में दे देता है वो। ओके सर, और नेक्स्ट बैच सर कब से स्टार्ट है? 30 नवंबर से, 30 नवंबर से। ओके सर, एडमिशन प्रोसेस के लिए तो बात करनी होगी हाँ सर से ना, बात कर लो, स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, मुझे लगता है 10-15 लोगों ने कर लिया रजिस्ट्रेशन। और सर एक बैच में कितने स्टूडेंट रहते हैं, मतलब आप 40, 40, तो सर मतलब हाँ प्रॉपर गाइडेंस मिल जाते हैं उनको डेढ़ यस घंटे 100%, इसीलिए तो मैंने रखने को, तो मैं 200 रख दूँ ना, ठीक है, लेकिन बस जी सर। 40 स्टूडेंट्स रहते हैं। उसमें से भी कैसे होता है कि 10 से 15 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ रिकॉर्डिंग चाहिए होता है, जो 20 से 25 होते हैं उनको लाइव चाहिए होता है, ऐसे रहते हैं, तो दोनों ही उसी में रहते हैं। तो सर सबसे ज्यादा फ्रूटफुल जो है सर वो मेरे लिए मतलब यही है, मतलब लाइव और रिकॉर्डेड दोनों। यस आपके लिए साकिब, क्योंकि आपको ना अभी करियर बहुत तगड़े से बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपका थोड़ा सा कंसर्न अलग है ना, तो आपको थोड़ा डेडिकेट होके कर लेंगे तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल अभी दिखाई दिया, 2018 का पास आउट, अभी एमएनसी में काम कर रहा है वो, ठीक है, पॉडकास्ट भी है उसका, अगर तुम देखना चाहो तो अपने राजिल श्रीवास्तव का पॉडकास्ट देखना, उस पर यूट्यूब पर डाला है अपने चैनल पे, तो आपको जी पूरा सर, क्लियर होगा, ठीक है, ओके चलेगा। ओके, एंड ओके एक क्वेश्चन गाइस यहाँ पर है,
इनका क्या नाम है, आप सुजीत कुछ पूछ रहे थे बीच में, आपने हैंडेज किया था, सॉरी मैं ऑन नहीं कर पाया आपका माइक। सुजीत कुछ क्वेश्चन था आपका, ठीक है अभी शायद नहीं है इनका, तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ गाइस यहाँ पर शिवम चक्रवर्ती जी का, कि टेक्निकल में कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग रहना चाहिए ड्यूरिंग कॉलेज, अगर आप बीम में करना चाह रहे हैं तो बीम में केवल और केवल आपका बीएमसी का नॉलेज रहे तो पर्याप्त होता है, बीम में ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ती, स्ट्रक्चर में जरूरत पड़ती है शिवम, स्ट्रक्चर में आपको आरसीसी अच्छा हो, सोम अच्छा हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। उज्जवल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप हैंड रेज कर रहे हैं बट आपका माइक नहीं ऑन हो रहा है क्या शायद। उज्जवल एन बिश्वा ने कुछ पूछा है कि सर आई हैव ऑलरेडी सर मेरे पास i5 2 GB रैम है, नहीं चलेगा, ठीक है 8 GB रैम देख लीजिए आपके लैपटॉप में बढ़ता है तो बढ़वा लीजिए, ठीक है, और 4 GB ग्राफिक्स कार्ड भी चाहिए उज्जवल, क्लियर रखिए, विदाउट लैपटॉप हम लोग एडमिशन भी नहीं लेते क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम ना हो जिससे। विश्व बोले तरह आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड कोर्स आउट गया, ओके ठीक है, क्वार्टी सर्विंग फ्यू मंथ बैक, ओके आई कम बैक टू दी कोर्स जस्ट बैक, ओके नाउ आई हैव एक्स्ट्रा शुड आई लर्न टू गेट द जॉब इन बीएम। आई थिंक अगर आपको रेबिट अच्छे से आता होगा विश्वा तो बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, थोड़े से कॉन्सेप्ट रिकॉर्डिंग कोर्स भी ले लेंगे तो आपका हेल्प हो जाएगा, अगर आपको सच में आता है तो, मुझे नहीं पता आपको कितना आता है, आप मुझे बताइए, अगर आप माइक ऑन कर लीजिए मैं आपका टेस्ट ले लूँ 2 मिनट में, ठीक है, अगर आप बोलिए तो मैं 2 मिनट टेस्ट ले लूँ, या फिर आप कमेंट करके बताइए प्रोजेक्ट पैरामीटर क्या होता है, बाकी ये बात बाद में कर लेंगे, ठीक है, जस्ट बताइए प्रोजेक्ट पैरामीटर क्या होता है, अगर आपको आता है तो आप ट्रेनिंग मत करिए, नहीं आता तो कर लीजिए, एक ही क्वेश्चन पूछा है मैंने, और किसी का हैंड रेज करके क्वेश्चन रख तो नहीं गया गाइस, ठीक है आई थिंक सबका क्वेश्चन हो गया, किसी को पूछना तो पूछ लो अभी फ्री है, ठीक है सुजीत पूछना चाह रहे हैं, सुजीत बोलिए। सर इसमें फ्यूचर स्ट्रक्चर का भी सिलेबस कवर हो जाएगा? यस रहता है बट ज्यादा नहीं रहता है, ओके मेनली फोकस आरसीसी पर रहता है, स्टील का क्या रहता है, स्टील में टेकला और रेवे स्ट्रक्चर जो रहता है इसमें स्टील कवर करते हैं, जैसे कि वेयर हाउस कवर कर देते हैं इसमें, स्टील की एक बिल्डिंग कवर कर देते हैं, और टेकला में एक पेट्रोल पंप की केनोपी बनवा देते हैं, एक एयर जो आपने रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म होता है उसकी पूरी मॉडलिंग हो जाती है, रहता है 10 10 मॉडल के आसपास अप्रॉक्स रहते हैं, बट मैक्सिमम जो 30 से 40 प्रोजेक्ट होते हैं वो आरसीसी के ज्यादा रहते हैं। थैंक यू सर। ओके जी, तो गैस ये बेसिकली जो मैंने आपको चीज़ें बताई होप सो आपको क्लियर हुई होंगी, और अपना जो प्लेटफॉर्म है ना जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ यही मेरा जेन्युइन, आप मेरे जितने वीडियो देखना चाहोगे मैं ऐसे ही आपको टीच करता हूँ आसान भाषा में, मुझे बोलने को मेरी भी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है तो मैं बोल सकता हूँ, बट मेरे मानना ये है कि जो मैं बोलूँ अगर आपको समझ में ना आए तो फिर वो समझदारी नहीं है, और तो आपको आसान भाषा में ही ट्रेंड करते हैं। दूसरी चीज़ हम आपको कोई ऐसे बहुत बड़ी बड़ी वादे वाली चीज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया आई एम टीचर, और मैं अपने मन से टीचर हूँ क्योंकि मैं मेरी खुद की कंपनी भी है गाइस, मैं ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट्स लेके सबमिट करता हूँ, तो मुझे ऐसे नहीं है कि मुझे वो करना ही है, बट मेरा पैसा नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, यस तो उसी बताइए। सर सॉरी टू डिस्टर्ब नहीं नहीं कोई सर। बात, बोलिए। ओके सर, एक ऐसा क्वेश्चन था कि मैं दो चीज के बारे में डिफरेंस जानना चाह रहा था, एज अ प्लानिंग इंजीनियर एंड बीआईएम इंजीनियर, हाँ ये दोनों में क्या डिफरेंस है सर, कि किस में कौन सा करियर अच्छे से फ्यूचर में देखिए ब्राइट रहेगा बोल के? देखिए अगर आप साइड बेस जॉब देख रहे हैं तो प्लानिंग इंजीनियर आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, साइड बेस देख रहे हैं तो प्लानिंग इंजीनियर वाली जॉब आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आप ऑफिशियल जॉब देख रहे हैं तो ऑफिशियल जॉब में बीआईएम ही अच्छा रहेगा, बीआईएम का फिक्स है कि आपको कभी साइड पे जाने की नीड ही नहीं, तो आप डिसाइड करिए कि अच्छा मुझे ओके कैसी okay. जॉब चाहिए बस उस पे। सर एज पर गल्फ के हिसाब से पूछ रहा हूँ सर, एज पर गल्फ के गल्फ के हिसाब से हिसाब से। बीआईएम ही करिए तो सिर्फ अच्छा रहेगा, उसका रीजन ये है कि आपको पता है कि बीआईएम का टेम्परेचर कैसा होता है, साइड की जॉब बहुत हेक्टिक होती है, मैं आपको बताऊं मेरे पास इस समय लगभग 6 से 8 बच्चे हैं जो कि दुबई में साइट इंजीनियर है, मेरी बैच में है, ठीक है, क्या पता उसमें से कोई इधर भी होंगे, साइट इंजीनियर नहीं सर, प्लानिंग मैं इंजीनियर, समझ रहा हूँ प्राइमर मैं वगैरह समझ रहा हूँ, बेसिक्स के ऊपर जो। यस यस मैं समझ गया आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं, पर उसमें एमएसपी पे जो काम करते हो, जो प्राइमेरा पे काम करते हो, ठीक है उनकी बात कर रहे हो आप, ठीक है उसमें अगर आपके साइट का एक्सपीरियंस है तो उसमें आपके लिए बेटर है, ठीक है, क्योंकि जो उसमें कोटेशन होता है उसका जो फाइल होती है ना, जो प्लानिंग इंजीनियर की जो फाइल होती है वो बीम में भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो एक प्लानिंग इंजीनियर जो प्लान करके देता है ना कि कब हम क्या क्या कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, राइट, तो उसकी जो फाइल होती है उसे हमें नेविसोर के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है,
समझ गए? तो वो अपने साइट के एक्सपीरियंस के बेस पर वो काम को डिजाइन करता है, फिर वो आता है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं ऑफिशियल जॉब के रूप में तो यही अच्छा है, ठीक है। अगर आप साइट प्लस ऐसे जॉब देखना चाह रहे हो तो वो भी अच्छा है, बुराई नहीं है। क्या बोलते हैं, बट कैसे होता है कि मैं उस प्रोफाइल को प्रमोट करता हूँ तो सिर्फ जिसमें लर्निंग ज्यादा हो, जिसमें बड़ा कैरियर हो, बड़ा कैरियर हाँ समझते वही हैं, सर, जिसमें बड़ा करियर ही बिल्ड यस करना है यस एज पर बाहर के हिसाब से, यस कैसा करियर है सर वो हिसाब से आपके पास गाइडेंस पूछ रहा था कि यस कौन सा चूज कर। अब देखिए, मैंने जो साइट क्यों नहीं बोला, क्योंकि साइट में क्या होता है, साइट में गए आप 5 6 महीने 5 महीने काम किया, सीख गए, आगे क्या, खत्म, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे बीआईएम में क्यों बोला आपको, क्योंकि बीआईएम में आपकी लर्निंग खत्म ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं खत्म हो रही है गाइस? क्योंकि आप बीम मॉडलर बन रहे हो, बीम इंजीनियर बन रहे हो, बीम कोऑर्डिनेटर बन रहे हो, बीम स्पेशलिस्ट बन रहे हो, बीम लीड बन रहे हो, बीम मैनेजर बन रहे हो, सीखने का पैकेज पूरा बढ़ता चला जा रहा है। इतना लंबा चीजें सीखनी है आपको, पहली बेनिफिट ये। ऐसे जैसे स्ट्रक्चर को मैंने क्यों आपको बोला, स्ट्रक्चर में आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर का डिजाइन करोगे, उसके बाद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का करोगे, हाई राइज टावर्स का करोगे, उसके बाद आप बड़े बड़े जो टैंक्स बनते हैं टैंक्स की डिजाइनिंग करोगे, ब्रिजेस की डिजाइनिंग करोगे। स्ट्रक्चर्स का करियर की एंडिंग नहीं है, हमेशा वो करियर चूज करो जिसकी एंड ना हो, उसमें आपका जीवन भी चला जाएगा, मजा भी आएगा, कुछ है, कुछ कर रहे हैं, जी सर, ठीक है। ओके जी ओके, गैस, मुझे भी आपके, थैंक ओके जी, मुझे भी चैलेंज काफी अच्छे लगते हैं जिसमें आपके चैलेंज हो और लाइफ टाइम आप उनमें लर्निंग ले सकें। ऐसी प्रोफाइल को मत चूज किया करिए जैसे कि मैं सर्वे की प्रोफाइल बोलूं, उसमें एक लिमिट है कि उसके बाद क्या, ठीक है। ऐसी प्रोफाइल जहां पर उसके बाद क्या ना हो, तो मेरे हिसाब से उस प्रोफाइल में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए आपको। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में लाइसेंस की जरूरत रहता है खुद का काम करने के लिए। यस, खुद के काम के लिए अभी कल ही एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। तो अभी कल ही एक क्लास ही लिया है, गुरुकुल की क्लास है, स्ट्रक्चर गुरुकुल में एक क्लास होती है जिसमें सिर्फ, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कल ही रिकॉर्ड किया, देखो लाइसेंस करके, कल की क्लास है ये, ठीक है। तो अभी ये अपलोड करेंगे किसी चैनल पे। तो बेसिकली लाइसेंस की हम लोग पूरी क्लास आपको देते हैं, ना कि वो लाइसेंस, फ्रीलांसिंग की पूरी क्लास आपको गुरुकुल मिलती है गाइस, कि हम फ्रीलांसिंग अपना कैसे स्टार्ट करें, अपनी खुद की फर्म कैसे रजिस्टर्ड करें। अगर आप लोग को नहीं पता हो तो मैं बता दूं आपको, हमारी यूनिक सिविल फर्म जो है रजिस्टर्ड फर्म है ये, ऑलरेडी हम इसके अंदर प्रोजेक्ट भी करते हैं। तो हम प्रोजेक्ट कैसे, अपनी कंपनी कैसे स्टार्ट करनी है, फ्रीलांसिंग कैसे करना है, क्योंकि पहले मैं फ्रीलांसर के तौर पर ही काम करता तो वो भी आपको शेयर करता हूँ, लाइसेंस कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं वो भी शेयर करता हूँ, प्लस इंटरव्यू गाइडेंस, तो भाई उसकी क्लास ही है तो होना ही है, ठीक है। ओके, आई थिंक हो गया, आई थिंक आज के लिए इतना सफिशियंट रहेगा, काफी लोग थक गए होंगे, जाइए सब लोग सो जाइए, एंड रात सबको गुड नाइट। किसी को भी अगर डेप्थ में सीखना है तो आराम से आ जाना, ये जरूरी है गाइस कि कैसा होता है, मेहनती लोग चाहिए, मेहनती लोग मतलब मजा हमें भी तब आता है ना जब सामने वाला टक्कर वाला हो। जैसे मैंने कितने प्राउडली दिखाया कि देखो ये गिरिंदर का या फिर गिरीश का प्रोजेक्ट है, या फिर मैंने राजिल का प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो दिखाया, कैसे दिखा पाया गाइस, उनकी मेहनत की वजह से ना। तो ऐसे लोगों को हम लोग भी तलाश करते हैं जो एक्चुअली में डेडिकेटेड हो, क्योंकि उनके जाने से वो किसी कंपनी में जाएंगे तो हमारा भी नाम होता है कि हाँ यार वहां से पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसीलिए बस हम लोग यही चाहते हैं हमारे पास जो लोग आए अच्छे लोग आए, जिससे कि वो बाहर जाए तो पॉजिटिविटी स्प्रेड हो। और मैं इसीलिए बहुत प्राउडली बोल पाता हूँ कि किसी भी कंपनी को सर्च करो उसमें हमारे स्टूडेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मुझे भरोसा है, ठीक है। अभी तक तो यही रहा है, ठीक है जी। सी यू एंड होप सो कि शायद गाइस नेक्स्ट संडे को अगर मैं अवेलेबल रहा तो एक मीटिंग करेंगे, नहीं अवेलेबल रहा तो 30 तारीख को मिलेंगे, ठीक है जी। और किसी को भी कॉल करना रहा तो नंबर आपके पास है, कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो।